sure करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित थे अपने करियर के शुरुआत में उनके सिनेमा पर यह छाप महसूस की जा रही थी पिछली दो फिल्मों माय नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उन्होंने कुछ हटकर करने की कोशिश की थी लेकिन ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर पर रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे थे ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेट उन्होंने पेश किया है एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म के की है रणबीर कपूर प्राइवेट जटवाला अमीर है गाना और इश्क के सुश की जिंदगी में कुछ भी नहीं है अयान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप्स को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है अयान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अलीजा यानी अनुष्का शर्मा से जो कि अली यानी फौद खान के इश्क में गिरफ्त है वह ऐान को अपना सच्चा दोस्त मानती है वह इश्क में जुनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है अली के इश्क में उसे वह जुनून नहीं मिलता जो आन की दोस्ती में मिलता है अनान का प्यार एक तरफ़ा है वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है लेकिन अलीजा उसे सिर्फ़ दोस्त मानती है और अली से निकाह कर लेती है दिल टूटने के बाद अन की ज़िंदगी में खूबसूरत सायरा सबा यानी अशर राय आती है लेकिन आयान के लिए वह जरूरत है ख्वाहिश नहीं सबा यह बात समझ जाती है और आयान से अलग हो जाती है उनका आयान के प्रति एक तरफा प्यार था सबा तलाक शुदा है पूर्व पति ताहिर यानी शहरुख खान और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कुछ कुछ होता है कभी अलविदा न कहना जैसी अपनी फिल्मों को मिला जुला कर कर ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है फिल्म की शुरुआत बढ़िया है आयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं जो पूरी आज़ादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है महानगर में रहने वाले युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं लंदन की लाइफ स्टाइल कलाकारों का स्टाइल लुक उनकी कूलनेस आपको बांधे रखती है इंटरवल के बाद इन बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है लेखक के रूप में करड़ जौहर दुबिधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए दर्शकों का ध्यान बटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाएँ फिल्म और कमज़ोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दांव चलाया जाता है लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से ऊब चुके होते हैं स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदार में प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते उन्हें सब सतही लगता है मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार करते हैं ऐसा लगता है कि करण को अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था आयान और सबा के रिश्ते को इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है कि दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया अलीजा और अली के ब्रेकअप की भी ठोस वजह सामने नहीं आई ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियां फिल्म देखते समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं ऐसी भी नहीं है फिल्म बहुत ही ज्यादा उबाती या पकाती है निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखन की कमी को ढकने में कुछ हद तक सफल भी रहे हैं उनका प्रस्तुति करड़ ताजगी से भरा है इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलीखा उन्हें आता है कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो मनोरंजन करते हैं पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया है लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं हैं तौर पर सेकंड हाफ मै करड़ के हाथों से फिल्म छूट जाती है और कुछ लंबी लगती है संगीत के मामले में फिल्म अमीर है गीतकार अमित भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है अमिताभ द्वारा लिखे गए शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुनें पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं ये दिल है मुश्किल बुलया क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है बिंदास बेपरवाह मजबूत अली जहा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिया है दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर भाव लाए हैं प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है कई दृश्यों में उन्होंने रणबीर कपूर को बैक फुट पर ढकेल दिया है जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं रणबीर की तारीफ इस बात के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सधा हुआ अभिनय किया ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है जिस पाकिस्तानी अभिनेता फवाद अली खान को लेकर इतना हल्ला मचाया गया था वह चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं लगता है करण ने उनके रोल पर कैंची चला दी थी शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्हें क्यों रोमांस का बादशाह कहा जाता है लिसा हेडन का, का काम तारीफ के काबिल है फिल्म को सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती है उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया गया है ये दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है लेकिन कंटेंट में कसर रह गई ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थी इसके निर्माता थे अपूर्वा मेहता हीरो जौहर और करण जोहर इसका निर्देशन किया था करण जौहर ने संगीत इसमें दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने इसमें कलाकार थे रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान लिसा हेडन शाहरुख खान आदि अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर ने एक साथ फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम किया था करीब छह साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर जहां अनुष्का के साथ काम करने में कंफर्टेबल थे वही अशर्र के साथ सीन करने में झिझक महसूस हो रही थी इस फिल्म को लेकर कई तरह की यादें जुड़ी हुई थी चलिए सबसे पहले बताते हैं कि अनुष्का रणबीर और अशर्रा को करण जौहर ने कैसे कास्ट किया था करण जौहर ने साल 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे बुलबर्ट में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा को देखा था उनकी कास्टिंग और केमिस्ट्री करण को इतनी पसंद आई कि उन्हें अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए चुन लिया था वही अब बारी थी फिल्म के तीसरे और दमदार किरदार की जिसके लिए उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था एशरा राय करण उनको अपनी कई फिल्मों में लेना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी इस फिल्म में कास्ट करने के लिए भी करण को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी अश्वरा राय बच्चन को मुश्किल से राजी कर पाए थे करण जौहर दरअसल अशरा राय बच्चन अपनी बेटी अराध्या के पैदा होने के बाद कम करने की कोशिश कर रही थी ऐसे में जब करल जौहर ए दिल है मुश्किल का ऑफर लेकर पहुंचे और फिल्म की स्टोरी सुनाई तो ऐस ने मना कर दिया किसिंग सीन और भी अपने छोटे से एक्टर के साथ ऐश्वर्या ने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो करल भी उनकी दुविधा को समझ रहे थे इसलिए कहा कि इस सीन को इस तरह से शूट किया जाएगा कि उनकी इमेज पर इसका असर नहीं होगा ये तो थी ऐश्वर्या राय बच्चन की बात अनुष्का शर्मा और रणवीर कपूर चौक पहले से भी काम कर चुके हैं और दोनों अच्छे फ्रेंड भी हैं एक सीन के दौरान अनुष्का ने इतना जोर का थप्पड़ मारा कि रणबीर सने रह गए इस सीन का जिक्र अनुष्का शर्मा और रणबीर ने एक इंटरव्यू में किया था रणबीर ने कहा था कि अनुष्का अपने सीन में घुस जाती हैं और उन्हें बिल्कुल सच करने की कोशिश करती हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे तीन थप्पड़ मार दिए थे अनुष्का ने बताया कि पहले रणबीर का शॉट ले लिया गया फिर मुझे उसे चाटा मारने के लिए कहा गया लेकिन शार्ट के दौरान मैं ऐसी खो गई जिसे शार्ट ओके हुए रणबीर ने मुझसे पूछा कि तुम सच में थप्पड़ क्यों मार रही हो फिर भी मुझे लगा कि वह गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा है बाद में मुझे एहसास हुआ तो माफी मांग ली थी इस फिल्म के निर्माता करल जौहर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि की एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी या दो तीन लोगों को आपस में प्यार होने की कहानी नहीं है ये फिल्म को एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप दिल टूटने और प्यार करने की कहानी है मैंने अपने पूरे जीवन इस तरह की फिल्म नहीं बनाई है बता दें कि इस फिल्म में गाने भी दिल को छू लेने वाले थे ए दिल है मुश्किल की कहानी है गायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले अन की जिसे अलीजा नाम की लड़की से इश्क हो जाता है अलीजा का पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है लेकिन उसका पुराना प्रेमी अली उसकी जिंदगी में आता है और वह उससे शादी कर लेती है इसके बाद आन की जिंदगी में सबा नाम की एक सारा आती है जो पहले से तलाकशुदा है अन की भूमिका में है रणबीर कपूर अलीजा का रोल किया है अनुष्का शर्मा ने और सभा का किरदार निभाया है अशर्या राय ने फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें कुछ नयापन नहीं है हाँ इसकी पटकथा थोड़ी अलग है फिल्म के पहले हिस्से में काफ़ी मनोरंजन है कई जगह पुरानी फिल्मों की नकल या उसके डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है जो हंसाते हैं रणबीर कपूर और एशर् राय ने फिल्म में अपने किरदार अच्छे से निभाए हैं लेकिन अनुष्का शर्मा का अभिनय जबरदस्त है फिल्म के तीन चार गाने इसकी जान हैं जो पहले ही हिट हो चुके थे वही दूसरी तरफ फिल्म का दूसरा भाग यानी एंट्रोल के बाद का हिस्सा ढीला और सुस्त नज़र आता है इमोशन नाम के हथियार को अक्सर भुनाने वाले करल जौहर ने दूसरे भाग में इमोशन तो डाला है मगर दृश्य दिल को कुछ खास नहीं छूते हैं फिल्म में हीरोइन को जानलेवा बीमारी का फार्मूला पुराना लगता है फिल्म की लंबाई भी जरूरत से ज़्यादा लंबी लगती है करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म ए दिल है मुश्किल एक लव स्टोरी है जिसमें किसी को किसी से इश्क होता है एक रिश्ता टूटता है तो दूसरा जुड़ता है मगर इन सब के बीच शायद करण ने यह बताने की कोशिश की है कि प्यार चाहे प्रेमी से हो या दोस्त से किसी के बिना भी रहना मुश्किल है लंबे अरसे से एक आदत हिट को तरस रहे रणबीर कपूर की हिट की तलाश शायद उस बार फिर करण जौहर के बैनर से ही पूरी होनी थी बताओ डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई थी बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा था लेकिन इसका सीधा फायदा उस दिन फिल्म की रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया था फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटरों में अस्सी से नब्बे फीसदी की ओपनिंग मिली तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50 से 70 फीसदी तक की एक मिली थी करण ने इस फिल्म पर करीब करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया रिलीज से पहले मीडिया में कपूर और ऐश्वर्या लगाई जा रही थी लेकिन फिल्म देखने के बाद लगता था कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी पाक एक्टर फौद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर में क्रेज इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर का जमघट नजर आया ए दिल है मुश्किल की कहानी में आया ने, ने रणबीर कपूर बेशक अच्छा नहीं गाता लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफ़ी जैसा नामी सिंगर बनना है अपने पापा के डर से आयान ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में एम बी ए की स्टडी कर रहा है बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाली अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उल्टा है उसे डांस पार्टीबाजी पसंद नहीं है इसी के बीच एक दिन आया और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वह दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं सो so, अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और आयन अपनी लबर को छोड़कर मौज मस्ती करने पैरिस निकलते हैं पैरिस में आयान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेानतहा प्यार करता है लेकिन अलीजा आन को अपने दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझती अलीजा का कुछ अर्सा पहले डी जे अली यानी फवाद खान के साथ ब्रेकअप हो चुका है ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उबरने के लिए अलीजा अपना ज़्यादा वक्त आया के साथ गुजारती है अचानक एक दिन अली फिर अलीजा की ज़िंदगी में लौट आता है अलीजा बयान को छोड़कर अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है यही कहानी में सबा खान यानी अशर राय बच्चन की एंट्री होती है जो शेर व शायरी करती है सभा बेनतहा खूबसूरत है अन भी अच्छा सिंगर बन चुका है सबा के एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर करके रख देता है पूरी फिल्म रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है रॉक स्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में थे अनान के किरदार में यकीन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की थी वही बिंदास लीजा के किरदार को अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया था इन रोल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंस सेड में नजर आई थी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई थी फवाद खान और सरा राय को बेसिक ज़्यादा फुटेज नहीं मिली थी लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया था शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है अगर बताओ डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करीब चार साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कमाल संभाली थी म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब मास्टरी है इंटरल से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो एंगस्टर की कसौटी पर सौ फीसदी खरा उतरता है तो वही इंटरवल के बाद करण ने इमोशन का तड़का लगाया है स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करड़ ने फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया में भी की थी इंट्रोल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है लेकिन करण ने सुरले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशन का सहारा फिल्म को कहीं कमजोर नहीं होने देता रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुके थे करण ने इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया था जो यंगस्टर की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरते हैं बुलाया ब्रेकअप और टाइटल सॉन्ग ए दिल है मुश्किल पहले संगस्टर की जुबा पर था वही करण ने फिल्म में सत्तर अस्सी के दशक के कई सुपरहिट गानों को फिल्म में अलग ढंग से फिल्माया था अगर आप रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के फैन हैं तो, तो अपने पसंदीदा इन दोनों स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने और सुरीले संगीत का आनंद लेने के लिए ये फिल्म देख सकते हैं करण जौहर के निर्देशन में बनी ए दिल है मुश्किल पिछले काफी वक्त का विवादों में रहने के बाद आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म में रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन और फौद खान मुख्य किरदारों में नज़र आए थे फिल्म एस और रणबीर के एंटीमेट सीन ने काफी सुर्खियाँ बटोरी थी वही अनुष्का शर्मा के साथ उनकी दोस्ती को भी खूब पसंद किया गया था फिल्म की कहानी शुरू होती है अयान यानी रणबीर कपूर से जो लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा है इसी बीच उसकी मुलाकात अलीजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है वह एक बिंदास लड़की है जिसे पार्टी करना नाइट क्लब जाना बहुत पसंद है एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए इनकी दोस्ती और गहरी होने लगती है लेकिन एलिजा का एक बॉयफ्रेंड है डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास वह काफ़ी एलिजा से बिल्कुल अलग और बोरिंग सा है वही आयन भी एक फैशनेबल गर्लफ्रेंड है कुछ वक्त आयन और एलिजा को पता चलता है कि वह जिन लोगों को डेट कर रहे हैं वह तो उनके लायक ही नहीं है इसके बाद ये दोनों उनसे ब्रेकअप करके पेरिस घूमने चले जाते हैं इन बीच अन को एलिजा से प्यार हो जाता है लेकिन तभी एलिजा की मुलाकात डॉक्टर अली यानी फौद खान से होती है जो कभी एलिजा का बॉयफ्रेंड था इसके बाद फिल्म फिल्म में में कई ट्विस्ट होते हैं एंट्री कैसे होती है आयान के एक तरफा प्यार का क्या अंजाम होगा ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में मिलते हैं इस फिल्म को टिपिकल कलर जौहर फिल्म कहा जा सकता है जहां एक तरफ इसके ट्विस्ट आपको अंत तक बांधे रखने में सफल साबित होते हैं वहीं इसमें उनकी पुरानी फिल्मों की भी कुछ झलकियाँ महसूस होती हैं फिल्म में रणबीर कपूर ने बेहद शानदार अभिनय किया है पिछले काफ़ी वक्त से फ्लॉप फिल्म देने के बाद इसे रणबीर की कमबैक फिल्म कह सकते हैं वह अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के बाद एक बार फिर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने भी एक मुस्लिम लड़की के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था एक बिंदास और बेबाक लड़की की भूमिका में काफ़ी जच रही थी अश्वरा ने भी अपने हार्ट एंड बोल्ड अंदाज का जबरदस्त तड़का लगाया था इसे एक एंटरटेनमेंट पैकेज कहा जा सकता है फिल्म में काफ़ी हंसी मज़ाक के साथ एक बेहतरीन कहानी दोस्ती और एक तरफा प्यार की ताकत देखने को मिलती है फिल्म की पैकेजिंग और स्टाइलिंग अच्छी है लेकिन कहानी सधी हुई नहीं है पहला हिस्सा मस्ती भरा है लेकिन आधे घंटे में ही फिल्म खिंची हुई लगती है स्टार पावर म्यूजिक सब का जमा तभी काम करता है जब कहानी में दम हो लेकिन यहाँ करड़ मात खा गए थे आज भी प्यार और दोस्ती में कन्फ्यूज हैं करल जौहर ने हमें बहुत अच्छी फिल्में दी हैं लेकिन आज भी वह कुछ कुछ होता है कि तरह है। प्यार और दोस्ती में ही फंसे हैं उनकी यह दुविधा इंट्रोल के बाद साफ नजर आती है फिल्म की कहानी यहाँ से इतनी उलझी हुई है कि इसके सुलझने का इंतजार करने से बेहतर दर्शकों को हाल से उठाना लगता है पाकिस्तान नहीं होकर भी है फिल्म में उरी हमले के बाद पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने की मांग की वजह से ए दिल है मुश्किल की रिलीज पर खतरा लग रहा था लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो इसमें पाकिस्तान के रेफरेंस को हटाकर इसे भारत कर दिया गया इसके लिए खास तौर पर लखनऊ का सीन भी दिखाया गया था लेकिन अनुष्का शर्मा का किरदार जिस आधार पर तैयार किया गया था उसमें पाकिस्तान के लहजे और अंदाज की झलक साफ नजर आती है गाने अच्छे हैं लेकिन बांधते नहीं हैं फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट है गाने हर जगह बज रहे हैं सुनने में ये रिपीट कर रहे हैं फिल्म और निर्देशक अलग होते हैं मगर उनके किरदार ब्रेकअप प्यार का दर्द भावभरे गानों पर लिप सिंह पापा की उम्मीदों का बोझ अपने सपनों को पाना के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ बाकी एक्टर्स से वह पीछे रह जाएंगे अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ के एक्टर्स से जल्द ही वह पीछे रह जाएंगे अगर ये फिल्म किसी को फायदा देती है तो वह है अनुष्का शर्मा को आमिर खान के साथ पीके करने के बाद से वह खूब निखरी हैं सुल्तान में सलमान खान के साथ बेहद कॉन्फिडेंट थी ये दिल है मुश्किल में कई सीन में वह रणबीर कपूर पर भारी पड़ती नजर आती हैं फिल्म का एक खास सीन है जहाँ अशर्रा रणबीर और अनुष्का शर्मा साथ में बातचीत करते हैं इस सीन में जहाँ एस कचप की खूबसूरत लग रही हैं वही अनुष्का शर्मा का चार्मिंग और कॉन्फिडेंट अंदाज बताता है कि वह बॉलीवुड में सभी की पसंदीदा क्यों हैं बॉलीवुड की झलक फिल्म में बॉलीवुड के करल जौहर ने जमकर पिरोया है भले ही वह सनी लेवन के बेबी डॉल पर रणबीर का डांस हो या डायलॉग या मोड नए पुराने सीक्वेंस दिखे हैं कुछ कुछ होता है चांदनी गाइड समेत कुछ पुरानी फिल्मों के गाने के साथ प्रयोग अच्छा है लेकिन एक हाथ के बाद फिल्म को खींचता ज्यादा है फवाद खान जब ये फिल्म देखेंगे तो खुद को कोसेंगे कि उन्होंने यह रोल साइन ही किया गया था फिल्म में वह मुश्किल से दो तीन मिनट के लिए ही नजर आते हैं साथ फसाद की वजह से उनका रोल काट दिया गया हो क्यूटी पाई के तुरंत बाद चन्ना गाना आने की वजह सिर्फ उनके रोल का काट जाना भी है किस किस की शादी किस किस के दिखी झलक फिल्म में कैमियों की भरमार है असरा और रणबीर के हार्ट सीन्स पर फिल्म की पब्लिसिटी खूब की गई लेकिन लंबाई के हिसाब से एस का रोल भी ही है शाहरुख खान भी एक दो दिलकश डायलॉग के लिए सबसे छोटा कैमियो आलिया भट्ट का है शाहरुख खान भी एक दो दिलकश डायलॉग्स के लिए हैं सबसे छोटा कहमियों आलिया भट्ट का है लीजा हेडन इस हिसाब से सबसे फायदे में रहती हैं अनुष्का के मंगेतर का रोल निभाने वाले इमरान अब्बास भी पहले बिपाशा के लिए क्रिएचर थ्रीडी में आ चुके थे अगर आप इन जगहों को देख नहीं पाए हैं तो किरदारों और कहानी से नजर हटाकर आप इन खूबसूरत लोकेशंस को देख सकते हैं लंदन की सड़कों को खास तौर पर कहानी के साथ अच्छी तरह बांधा गया है बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से सर्वोपरि रहा है बॉलीवुड में शायद ऐसी ही कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डूबे बिना लिखी गई हो यानी जिसमें रोमांस का तड़का न लगाया गया हो उस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई करण जौहर की निर्देशित ए दिल है मुश्किल जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी क्या ए दिल है मुश्किल भावनात्मक तौर पर एक सफल फिल्म रही थी या फिर यह फिल्म मुश्किल का सामना करी थी आइए जानते हैं ए दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच की एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है जो कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है फिल्म की शुरुआत गायक आयन सहगल यानी रणबीर कपूर के इंटरव्यू देने के परिचय से होती है जहाँ वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां अन और जिंदा दिल्ली उत्साही अलीजा खान यानी अनुष्का शर्मा से एक नाइट क्लब में मिलते हैं दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है कि वो कभी न अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं एक दिन जब अन और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों लीजा हेडन और इमरान अब्बास के साथ डबल डेट पर जाते हैं उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है जिसकी वजह से उनका उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है अब आयन और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जाते हैं जहाँ दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने जहाँ दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं एक दिन आयान और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं वहाँ अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली फौद खान से मिलती है जो कि उस क्लब में डीजे होता है अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली उसके लिए प्यार से उभर रहा है अनान को अपना फैसला सुना देती है वह अन को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और यह वही व्यक्ति है जिससे उससे पहले प्यार हुआ था अनान ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह सबा यानी अशर बच्चन से मिलता है जो कि एक कवियत्री है और एक तलाक शुदा महिला है जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था अनान सबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है सबा को उस रिश्ते में कुछ गड़बड़ सी नज़र आती है इन सब के बीच आन को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो हर किसी की ज़िंदगी को बदल कर रख देती है अलीजा के बारे में आयान को ऐसी बात क्या पता चलती है जिससे आन सदमे में आ जाता है सबा के साथ उसका रिलेशनशिप में क्या अंजाम होता है और आयन किसके साथ सेटल होता है यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्ते और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है जिसमें रईसी की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है ए दिल है मुश्किल भी कुछ इसी तरह की कहानी है जब ए दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए तब से दर्शक के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी यह फिल्म दर्शक की उम्मीद पर खरी उतरती है फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है फिल्म के संवाद वाकई जीवंत हैं और इसके स्तर व लाइनर्स निश्चित रूप से दर्शकों यानी विशेष रूप से नौजवानों के बीच गूंजे थे हालांकि यह दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं ऐसा क्या है जो बाकी फिल्मों से अलग बनाता है वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अत्यंत परपक्ता जो कि करण जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है यह दिल है मुश्किल में और सब कुछ है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है इसकी परिपक्ता कहानी में के बावजूद यह फिल्म हर उम्र के वर्ग को भाएगी विशेष रूप से नौजवानों को कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम कभी अलबिदाना कहना माइन अमीज खान और स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमाल संभाली थी इस फिल्म पर करण जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है करण जौहर जो कि अपनी फिल्म के स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने स्टैग को सार्थक करते हैं ए दिल है मुश्किल के साथ करड़ जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं और इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी का वक्ता कहा जाता है यदि एक शब्द में कहा जाए तो ऐ दिल है मुश्किल में करड़ जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है बिना किसी नौटंकी या हाथ से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाए सीन का सहारा लिए इमोशनल पल संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमैक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करण जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है वही फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म की गति यानी क्लाइमैक्स की ओर ध्यान डालता है उस सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डालकानों की धनों पर थिरकते हैं जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझाती है तो रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्पस में उनके बॉलीवुड सपने को जीते हैं और फिल्म के सेकंड हाफ में मिडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन हैं अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणवीर कपूर जिसकी विशेष रूप से रॉय बॉम्बे बिलबेट और तमाशा जैसी फिल्मों के एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी से संबंधित है ये दिले मुश्किल में रणबीर कपूर बहुत जंचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना हो रणवीर कपूर जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं ने इस फिल्म को जिया है यह कहना गलत नहीं होगा कि ए दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है वही दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया है और पूरी शिद्दत से अपना रोल निभाया है फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है इतना कि लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे बिलब की पराजय के पीछे ही छोड़ देंगे कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं अचर राय बच्चन फिल्म में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत क्लासी और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं को इस तरह से पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे पूरे में से पूरे अंक दिए जाने चाहिए बात रणबीर कपूर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की ऐसे उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती हैं जैसा कि ऐसे उम्मीद की गई थी फवाद खान जिनकी भूमिका निर्दयता से काट दी गई थी जितना भी उन्हें समय मिला उसमें से बहुत जचे हैं फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो काम चलाऊ है दूसरी ओर शाहरुख खान और लिशा हैडल का कैमियो का शानदार रहा ए दिल है मुश्किल का संगीत प्रीतम पहले से ही सुपरहिट है ए दिल है मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट था और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं बुलाया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गत को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर प्रीतम भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी मदद करता है फिल्म का छायांकन जो कि अनिल मेहता ने दिया है उत्कृष्ट है जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों तो को शूट किया है वह वाकई काबिल तारीफ है हालांकि फिल्म का संपादन जो कि मडिक डावर ने किया है अच्छा है यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो यह निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती कुल मिलाकर यह दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करल जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है या पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है जो कि बड़े कैनवास पर शानदार लुभावने म्यूजिक और एक मनोरंजन पटकथा से भरी है करल जौहर सफल निर्माता निर्देशकों में शुमार हैं। चार साल के लंबे अंतराल के बाद करल जौहर ने ए दिल मुश्किल से बतौर निर्देशक सिनेमाघरों में दस्तक दे चुके थे फिल्मकार करण जौहर की एक तरफे प्यार वाली रची कहानी यह दिल है मुश्किल में कितना नयापन है आइए जानते हैं करण जौहर के अनुसार इस कहानी को सिर्फ नौ दिनों में पूरा किया गया था नौ दिन में लिखी कहानी में अमीर बाप की औलाद अन है और एक खुले ख्याल की लड़की अलीजहा है दोनों किसी के प्यार में हैं और अचानक जिनको एहसास होता है कि उनके प्रेमी दरअसल उनके लायक नहीं हैं अन और अलीजा में दोस्ती बढ़ने लगती है लेकिन अन दोस्ती को प्यार समझ लेता है और इजहार करने पर उसको भारतीय लड़कियों वाला जवाब अलीजा से मिलता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं अलीजा का निकाह किसी और से हो जाता है अन की जिंदगी में एक तलाक महिला सभा आती है अन अलीजा को जलाने के लिए उसके प्यार में पड़ जाता है सभा जल्द भाप लेती है कि यहाँ एक तरफा प्यार है इस तरह से कुछ अन्य किरदार भी शामिल होते हैं करण जौहर की नई कहानी कुछ कुछ होता है और कभी अलविदा न कहना से मारी हुई है करण जौहर कहानी में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें फिल्म खूबसूरत बनाने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे खूबसूरत चेहरों को कहानी में डाल दिया आलिया भट्ट और शाहरुख खान को भी कहानी में खड़ा कर दिया अनुष्का शर्मा का अभिनय से सबसे बढ़िया है रणवीर कपूर चार्मिंग स्टार हैं हालांकि कुछ जगहों पर निराश करते हैं रणवीर कपूर को इस तरह के किरदारों से बाहर आना चाहिए ऐश्वर्या बच्चन की कहानी तो ट्रेलर से परे नहीं है फिल्म का संगीत बेहतरीन है वह लाइनर चुटेले संवाद और उर्दू की शेर शायरी की मौजूदगी काफी हद तक फिल्म को संभालने में कामयाब रहती है सिनेमाटोग्राफी कमाल है जैसे कि अनुष्का शर्मा ने हाल ही में कहा था कि क्रल जौहर की फिल्म में आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती कि आप कैसे दिखेंगे शाहरुख खान और लीजा हेडन छोटी भूमिकाओं में थे लेकिन अपने अभिनय से दर्शकों के चेहरे पर खुशी की लहर छोड़ जाते हैं यदि आप बेहतरीन घर लिबास जगह खूबसूरत चेहरे किसिंग सीन रोमांस और संगीत के लिए किसी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो ए दिल है मुश्किल बुरा सौदा नहीं होगा यदि आप चाहते हैं कि एक सरल कहानी हो अंत में कोई निचोड़ निकलता हो तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल सही है तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल भी सही नहीं है करल जौहर को अब इस दायरे से बाहर आना चाहिए था अब करल जौहर की रोमांस कहानियाँ उलझने लगी थी कहानी शुरू होती है लंदन से जहां अयान यानी रणबीर कपूर एमबीए की पढ़ाई कर रहा है हालांकि उसकी दिलचस्पी सिंगिंग में है लेकिन पेरेंट्स की इच्छा पूरी करने के लिए वह पढ़ाई करता है इसी बीच उसकी मुलाकात एलिजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है धीरे धीरे इनकी दोस्ती पक्की होती जाती है एक तरह अयान को एलिजा से प्यार हो जाता है उधर एलिजा अली यानी फौद खान के पास दोबारा लौट उनसे शादी करने के लिए तैयार है लंदन से कहानी लखनऊ पहुंचती है जहां एलिजा और अली का निकाह होना है क्या आयान की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी ये फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है बेहतरीन एक्टिंग दिखाकर रणबीर आपको इमोशनल कर देंगे उनके लुक्स और डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट हैं वही मुस्लिम किरदार में अनुष्का शर्मा खिली में रणबीर और अनुष्का ने बेहतरीन काम किया है इन दोनों की एक्टिंग फिल्म की हाईलाइट है अशरारा बच्चन ने फिल्म में हार्टनेस का तड़का लगाया है शाहरुख खान फवाद खान आलिया भट्ट लीजा हेडन और दीप्ति नवल के छोटे छोटे पोर्शन भी फिल्म के लिए एक एशर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल में आपको टिपिकल करण जौहर स्टाइल डायरेक्शन देखने को मिले था लोकेशन सेट म्यूजिक सभी पर खास ध्यान दिया गया था हालांकि इस फिल्म में करण की पुरानी फिल्मों की झलक भी दिखी थी पिछली फिल्मों के वन लाइनस डायलॉग सुनने को मिले थे फिल्म हाँ में सेकेंड हाफ में असुर की एंट्री होती है जिसके बाद करण जौहर स्टाइल में मिलना बिछड़ना प्यार तकरार दिखाया गया था सेकेंड हाफ में फिल्म का घुमाव आपको बोर कर सकता है इसे बेहतर बनाया जा सकता था ए दिल है मुश्किल का म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया था जो रिलीज से पहले ही हिट था फिल्म के टाइटल सॉन्ग से लेकर बुलाया चन्ना मेरेया ब्रेकअप सॉन्ग क्यूटी पाई सभी गाने पसंद किए गए थे पुरानी बोतल में नई शराब नया लेबल क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं वर्षों से चल रहे इस फिल्म सवाल को करड़ जौहर ने ए दिल है मुश्किल में नई पीढ़ी और भारत पाकिस्तान के किरदारों के साथ बनाया था मगर उस समय पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान को पर्दे पर लखनऊ दिखाने को मजबूर होना पड़ा जबकि किरदारों अलीजा ने अनुष्का शर्मा सभा ने अश राय डीजे जे अली ने फौद खान ताहिर यानी गेस्ट रोल में शाहरुख खान की भाषा साफ बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं लखनऊ से नहीं हिंदी फिल्में बनाने वाले करड़ जौहर से कितने कंटेक्ट हैं इनका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है ने रणबीर कपूर लंदन में पैदा हुआ और पला है ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाला पल दो पल ग्लैमर ही चमक है और इसे देखने पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं है जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकते हैं क्योंकि अंततः प्यार यहाँ भी का आंसर है जवानी में कदम रख चुके आयान का बचपन गया नहीं है और इसी नादानी में उसे तीन बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है मगर अलीजा उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानती क्योंकि उसे प्यार का दर्द नहीं देना चाहती अलीजा के लिए प्यार में जुनून है और दोस्ती में सुकून है वह आयान के संग साथ में घूमती है अलीजा से दूर होकर अन जब शायरी करने वाली तलाकशुदा शबा से मिलता है तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है परंतु उससे प्यार नहीं कर पाता फिल्म प्यार की तलाश करते आयान की कहानी है जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है ये दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफी देर तक दिशाहीन लफाजी की तरह लगता है जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है अलीजा और अन बार बार शराब खानों क्लबों और कमरों में लौटकर आते हैं इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं करता घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डीजे अली की एंट्री के साथ जब अलीजा उसके लिए आयान को अपने से दूर कर देती है मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है असल में पूरी फिल्म करल जौहर के पुराने सिनेमा से कुछ अलग नहीं कहती उनकी भावनाएं भी नई नहीं, नहीं हैं रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों में काम कर रहे हैं इसमें उनका नुकसान है यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देती है कि देख कर दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे कुछ इसे उनके कम का भी नाम देंगे अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है उनके चेहरे पर पहले से ही संवेदनाओं की गहराइया नहीं दिखती ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ हर दृश्य में कम के लिए बेचैन नजर आती हैं अंतता फिल्म उन्हें निराश ही करेगी क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रसंगिक होकर खो जाता है वह कहानी के बीच में आती है और बीच में ही लापता हो जाती हैं फिल्म का गीत संगीत जरूर इन दोनों अन्य फिल्मों के मुकाबले में सुनने लायक था करण अगर अपने सिनेमा को खांचों में तोड़ सके तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद 2012 में करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टाकेस फिल्म में एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था अब करण ने रणबीर कपूर असुरा रॉय बच्चन और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की थी जिसे ए दिल है मुश्किल नाम दिया गया था आखिर कैसी बनी थी है? फिल्म आइए जानते हैं फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी आया ने रणबीर कपूर की है जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है लेकिन अपने पिता के डर की वजह से एम की पढ़ाई करता है जहाँ उसकी मुलाकात अली जय यानी अनुष्का शर्मा से होती है और अन को अली जय से एक तरफा प्यार हो जाता है हालांकि अली जय इसे दोस्ती का नाम देती है फिर कहानी आगे बढ़ती है और सबा यानी तलियार खान यानी असर बच्चन की एंट्री होती है कहानी में कई मोड़ आते हैं और क्या आयन का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है यही इस फिल्म में दिखाया जाता है फिल्म के एक्ट्रेस रणबीर कपूर असर बच्चन अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफ़ी उम्दा काम किया है फिल्म में शाहरुख खान लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीरेंस भी हैं और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं फिल्म एक म्यूजिकल और विजुअल ट्रीट है जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है अगर आपको शेरों शायरी का शौक़ है तो फिल्म के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर सुन लेते हैं फिल्म का हाफ काफ़ी बड़ा लगता है बहुत सारे उतार चढ़ाव आने की वजह से सवाल जहन में चलने लगते हैं कि आखिर फिल्म ख़त्म कहाँ होगी ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फ़ायदेमंद था लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज़्यादा कैश किया जा सकता था साथ इन दोनों की एंट्री भी इंटरल के बाद ही होती है एक वक्त के बाद जहन में यह भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या हैं इंटरल के बाद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया के साथ-साथ भारत में भी की गई है प्रचार प्रसार के साथ इस फिल्म का बजट लगभग 85 करोड़ रुपए बताया जा रहा था यह दिल है मुश्किल की कहानी प्यार के बारे में है या किस तरह का रूप लेता है या कैसे लोगों को बदल देता है या कैसे बहुत खुश करता है तो कभी लोगों को डराता है यह दो किरदारों किरदारोंलीजा है नुष्का शर्मा और अन यानि रणबीर कपूर के कभी साथ में रहने कभी अलग रहने उनके प्यार और दिल टूटने की कहानी है अलीजा पूरी तरह से खुद पर भरोसा करने वाली लड़की है जो अभी भी अपने पुराने रिश्ते के टूटने से हुए प्रभाव से धीरे धीरे उबर रही है अयन एक नौजवान है जिसे प्यार या दिल टूटने को लेकर कोई अनुभव नहीं है उसके अंदर गाने की इच्छा पल रही है उनकी एक रात न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है और ज़िंदगी बदलने वाला रिश्ता जन्म लेता है यह रिश्ता मजाक चिंता और बॉलीवुड की हर चीज़ पसंद होने पर आधारित है दोनों जिंदगी में आगे बढ़ने पर नए अनुभव पाते हैं जिनके आधार पर उनकी जिंदगी जुनून और प्यार को लेकर सोच बनती है उन्हें सच्चा साथी मिलना क्या होता है इसकी भी समझ आती है कैसे अलीजा और अन जैसे लोग जो प्यार को लेकर जुड़ते हैं फिर अलग होते हैं और प्यार को समझते हैं फिल्म में बारीकी से दर्शाया गया है करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित थे अपने करियर की शुरुआत में उनके सिनेमा पर यह छाप महसूस की जा रही थी पिछली दो फिल्मों माइ ने बिज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उन्होंने कुछ हटकर करने की कोशिश की थी लेकिन ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर पर चिर रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे थे ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेट उन्होंने पेश किया है एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है आयन यानी रणबीर कपूर प्राइवेट जटवाला अमीर है गाना और इश्क के सुश की जिंदगी में कुछ भी नहीं है अयान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप्स को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है अयान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अलीजा यानी अनुष्का शर्मा से जो कि अली यानी फौद खान के इश्क में गिरफ्त है वह अन को अपना सच्चा दोस्त मानती है वह इश्क में जुनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है अली के इश्क में उसे वह जुनून नहीं मिलता जो अन की दोस्ती में मिलता है अनान का प्यार एक तरफा है वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है लेकिन अलीजा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अली से निकाह कर लेती है दिल टूटने के बाद अनान की जिंदगी में खूबसूरत सायरा सबा यानी अशरा राय आती है लेकिन आयान के लिए वह जरूरत है ख्वाहिश नहीं सबा यह बात समझ जाती है और आयान से अलग हो जाती है उनका आयान के प्रति एक तरफा प्यार था सबा तलाक शुदा है पूर्व पति ताहिर यानी शहरुख खान और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कुछ कुछ होता है कभी अलविदा न कहना जैसी अपनी फिल्मों को मिला जुला कर कर ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है फिल्म की शुरुआत बढ़िया है आयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं जो पूरी आज़ादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है महानगर में रहने वाले युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं लंदन की लाइफ स्टाइल कलाकारों का स्टाइल लुक उनकी कूलनेस आपको बांधे रखती है इंट्रोल के बाद इन बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है लेखक के रूप में कर जौहर दुबिधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए दर्शकों का ध्यान बटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्र्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाएँ फिल्म और कमज़ोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दांव चलाया जाता है लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से ऊब चुके होते हैं स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदार में प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते उन्हें सब सतही लगता है मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार करते हैं ऐसा लगता है कि करण को अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था आयान और शबा के रिश्ते को इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है कि दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया अलीजहा और अली के ब्रेकअप की भी ठोस वजह सामने नहीं आई ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियाँ फिल्म देखते समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं ऐसी भी नहीं है फिल्म बहुत ही ज्यादा उबाती या पकाती है निर्देशक के रूप में करड़ जौहर अपने लेखन की कमी को ढकने में कुछ हद तक सफल भी रहे हैं उनका प्रस्तुति ताजगी से भरा है इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलीखा उन्हें आता है कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो मनोरंजन करते हैं पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया है लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं हैं खासतौर पर सेकंड हाफ में करड़ के हाथों से फिल्म छूट जाती है और कुछ लंबी लगती है संगीत के मामले में फिल्म अमीर है गीतकार अमित भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है अमिताभ द्वारा लिखे गए शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुनें पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं ये दिल है मुश्किल बुलया क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है बिंदास बेपरवाह मजबूत अलीजा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिया है दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर भाव लाए हैं प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है कई दृश्यों में उन्होंने रणबीर कपूर को बैकफुट पर ढकेल दिया है जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं रणबीर की तारीफ इस बात के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सधा हुआ अभिनय किया ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है जिस पाकिस्तानी अभिनेता फवाद अली खान को लेकर इतना हल्ला मचाया गया था वह चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं लगता है करण ने उनके रोल पर कैंची चला दी थी शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्हें क्यों रोमांस का बादशाह कहा जाता है लिसा हेडन का, का काम तारीफ के काबिल है फिल्म को सिनेमाटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती है उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया गया है ये दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है लेकिन कंटेंट में कसर रह गई ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थी इसके निर्माता थे अपूर्वा मेहता जौहर और करण जौहर इसका निर्देशन किया था करण जौहर ने संगीत इसमें दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने इसमें कलाकार थे रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान लिसा हेडन शाहरुख खान आदि अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर ने एक साथ फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम किया था करीब छह साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर जहां अनुष्का के साथ काम करने में कंफर्टेबल थे वही अशर्रा के साथ सीन करने में झिझक महसूस हो रही थी इस फिल्म को लेकर कई तरह की यादें जुड़ी हुई थी चलिए सबसे पहले बताते हैं कि अनुष्का रणबीर और अशर्रा को करण जौहर ने कैसे कास्ट किया था करण जौहर ने साल 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे बुलबर्ड में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा को देखा था उनकी कास्टिंग और केमिस्ट्री करण को इतनी पसंद आई कि उन्हें अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के लिए चुन लिया था वही अब बारी थी फिल्म के तीसरे और दमदार किरदार की जिसके लिए उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था अश्वरा राय करण उनको अपनी कई फिल्मों में लेना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी इस फिल्म में कास्ट करने के लिए भी करण को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी अश्वरा राय बच्चन को मुश्किल से राजी कर पाए थे करण जौहर दरअसल अश्वरा राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के पैदा होने के बाद कमबैक करने की कोशिश कर रही थी ऐसे में जब करल जौहर ए दिल है मुश्किल का ऑफर लेकर पहुंचे और फिल्म की स्टोरी सुनाई तो ऐश ने मना कर दिया किसिंग सीन वो भी अपने छोटे से एक्टर के साथ ऐश्वर्या ने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो करल भी उनकी दुविधा को समझ रहे थे इसलिए कहा कि इस सीन को इस तरह से शूट किया जाएगा कि उनकी इमेज पर इसका असर नहीं होगा ये तो थी ऐश्वर्या राय बच्चन की बात अनुष्का शर्मा और रणवीर कपूर चौक पहले से भी काम कर चुके हैं और दोनों अच्छे फ्रेंड भी हैं एक सीन के दौरान अनुष्का ने इतना जोर का थप्पड़ मारा कि रणबीर सने रह गए इस सीन का जिक्र अनुष्का शर्मा और रणबीर ने एक इंटरव्यू में किया था रणबीर ने कहा था कि अनुष्का अपने सीन में घुस जाती हैं और उन्हें बिल्कुल सच करने की कोशिश करती हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे तीन थप्पड़ मार दिए थे अनुष्का ने बताया कि पहले रणबीर का शॉट ले लिया गया फिर मुझे उसे चाटा मारने के लिए कहा गया लेकिन शाट के दौरान मैं ऐसी खो गई जिसे शॉट ओके हुए रणबीर ने मुझसे पूछा कि तुम सच में थप्पड़ क्यों मार रही हो फिर भी मुझे लगा कि वह गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा है बाद में मुझे एहसास हुआ तो माफ़ी मांग ली थी इस फिल्म के निर्माता करण जौहर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ये एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी या दो तीन लोगों को आपस में प्यार होने की कहानी नहीं है ये फिल्म को एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप दिल टूटने और प्यार करने की कहानी है मैंने अपने पूरे जीवन इस तरह की फिल्म नहीं बनाई है बता दें कि इस फिल्म में गाने भी दिल को छू लेने वाले थे ये दिल है मुश्किल की कहानी है गायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले आयान की जिसे अलीजा नाम की लड़की से इश्क हो जाता है अलीजा का पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है लेकिन उसका पुराना प्रेमी अली उसकी ज़िंदगी में आता है और वह उससे शादी कर लेती है इसके बाद अन की जिंदगी में सबा नाम की एक शायरा आती है जो पहले से तलाकशुदा है अनान की भूमिका में है रणबीर कपूर अलीजा का रोल किया है अनुष्का शर्मा ने और सभा का किरदार निभाया है एशर्रा राय ने फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें कुछ नयापन नहीं है हाँ इसकी पटकथा थोड़ी अलग है फिल्म के पहले हिस्से में काफ़ी मनोरंजन है कई जगह पुरानी फिल्मों की नकल या उसके डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है जो हंसाते हैं रणबीर कपूर और एशरा राय ने फिल्म में अपने किरदार अच्छे से निभाए हैं लेकिन अनुष्का शर्मा का अभिनय जबरदस्त है फिल्म के तीन चार गाने इसकी जान हैं जो पहले ही हिट हो चुके थे वही दूसरी तरफ फिल्म का दूसरा भाग यानी एंट्रोल के बाद का हिस्सा ढीला और सुस्त नजर आता है इमोशन नाम के हथियार को अक्सर भुनाने वाले करल जौहर ने दूसरे भाग में इमोशन तो डाला है मगर दृश्य दिल को कुछ खास नहीं छूते हैं फिल्म में हीरोइन को जानलेवा बीमारी का फार्मूला पुराना लगता है फिल्म की लंबाई भी जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है करल जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म ए दिल है मुश्किल एक लव स्टोरी है जिसमें किसी को किसी से इश्क होता है एक रिश्ता टूटता है तो दूसरा जुड़ता है मगर इन सबके बीच शायद करण ने यह बताने की कोशिश की है कि प्यार चाहे प्रेमी से हो या दोस्त से किसी के बिना भी रहना मुश्किल है लंबे अरसे से एक आदत हिट को तरस रहे रणबीर कपूर की हिट की तलाश साध उस बार फिर करड़ जौहर के बैनर से ही पूरी होनी थी बताओ डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई थी बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा था लेकिन इसका सीधा फायदा उस दिन फिल्म की, की रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया था फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटरों में 80 से 90 फीसदी की ओपनिंग मिली तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50 से 70 फीसदी तक की एक्सी मिली थी करण ने इस फिल्म पर करीब पचासी करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया रिलीज से पहले मीडिया में रणवीर कपूर और ऐश्वर्य राय बच्चन के आतंक सीन को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन फिल्म देखने के बाद लगता था कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी पाक एक्टर फौद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर में क्रेज इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर का जमघट नजर आया यह दिल है मुश्किल की कहानी में अन ने रणबीर कपूर बेशक अच्छा नहीं गाता लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफ़ी जैसा नामी सिंगर बनना है अपने पापा के डर से अन ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में एमबीए की स्टडी कर रहा है बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाली अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उल्टा है उसे डांस पार्टीबाजी पसंद नहीं है इसी के बीच एक दिन अन और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वह दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं सो so, अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और अन अपनी लबर को छोड़कर मौज मस्ती करने पैरिस निकलते हैं पैरिस मेंान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेानतहा प्यार करता है लेकिन अलीजा आन को अपने दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझती अलीजा का कुछ अर्सा पहले डी जे अली फवाद खान के साथ ब्रेकअप हो चुका है ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उभरने के लिए अलीजा अपना ज़्यादा वक्त आयान के साथ गुजारती है अचानक एक दिन अली फिर अलीजा की जिंदगी में लौट आता है अलीजा बयान को छोड़कर अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है यही कहानी में सबा खान यानी अश्वर राय बच्चन की एंट्री होती है जो शेर व शायरी करती है सबा बे अनतहा खूबसूरत है अयान भी अच्छा सिंगर बन चुका है सबा के एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर करके रख देता है पूरी फिल्म रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है रॉक स्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में थे अनान के किरदार में यकीन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की थी वही बिंदास लीजा के किरदार को अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया था इन रोल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंट सेड में नजर आई थी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई थी फवाद खान और सरा राय को बेसिक ज़्यादा फुटेज नहीं मिली थी लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया था शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है अगर बताओ डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करीब चार साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कमाल संभाली थी म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब मास्टरी है इंटर से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो यंगस्टर की कसौटी पर सौ फीसदी खरा उतरता है तो वही इंट्रोल के बाद करण ने इमोशन का तड़का लगाया है स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करड़ ने फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया में भी की थी इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है लेकिन करड़ ने सुरीले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशन का सहारा फिल्म को कहीं कमज़ोर नहीं होने देता रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुके थे करण ने इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया था जो यंगस्टर की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरते हैं

आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म में रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन और फौद खान मुख्य किरदारों में नजर आए थे फिल्म एस और रणबीर के एंटीमेट सीन ने काफी सुर्खियां बटोरी थी वही अनुष्का शर्मा के साथ उनकी दोस्ती को भी खूब पसंद किया गया था फिल्म की कहानी शुरू होती है अयान यानी रणबीर कपूर से जो लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा है इसी बीच उसकी मुलाकात अलीजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है वह एक बिंदास लड़की है जैसे पार्टी करना नाइट क्लब जाना बहुत पसंद है एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए इनकी दोस्ती और गहरी होने लगती है लेकिन एलिजा का एक बॉयफ्रेंड है डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास वह काफी एलिजा से बिल्कुल अलग और बोरिंग सा है वही आयन भी एक फैशनेबल गर्लफ्रेंड है कुछ वक्त आयन और एलिजा को पता चलता है कि वह जिन लोगों को डेट कर रहे हैं वह तो उनके लायक ही नहीं है इसके बाद ये दोनों उनसे ब्रेकअप करके पेरिस घूमने चले जाते हैं इन बीच आयन को एलिजा से प्यार हो जाता है लेकिन तभी एलिजा की मुलाकात डॉक्टर अली यानी फवाद खान से होती है जो कभी एलिजा का बॉयफ्रेंड था इसके बाद फिल्म में कई ट्विस्ट होते हैं फिल्म में इसकी एंट्री कैसे होती है अयन के एक तरफा प्यार का क्या अंजाम होगा ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में मिलते हैं इस फिल्म को टिपिकल करल जौहर फिल्म कहा जा सकता है जहां एक तरफ इसके ट्विस्ट आपको अंत तक बांधे रखने में सफल साबित होते हैं वहीं इसमें उनकी पुरानी फिल्मों की भी कुछ झलकियां महसूस होती हैं फिल्म में रणबीर कपूर ने बेहद शानदार अभिनय किया है पिछले काफी वक्त से फ्लॉप फिल्म देने के बाद इसे रणबीर की कम फिल्म कह सकते हैं वह अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के बाद एक बार फिर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने भी एक मुस्लिम लड़की के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था एक बिंदास और बेबाक लड़की की भूमिका में काफ़ी जच रही थी अश्वर्य ने भी अपने हार्ट एंड बोल्ड अंदाज का जबरदस्त तड़का लगाया था इसे एक एंटरटेनमेंट पैकेज कहा जा सकता है फिल्म में काफी हंसी मजाक के साथ एक बेहतरीन कहानी दोस्ती और एक तरफा प्यार की ताकत देखने को मिलती है फिल्म की पैकेजिंग और स्टाइलिंग अच्छी है लेकिन कहानी सधी हुई नहीं है पहला हिस्सा मस्ती भरा है लेकिन आधे घंटे में ही फिल्म खिंची हुई लगती है स्टार पावर म्यूजिक सब का जमा तभी काम करता है जब कहानी में दम हो लेकिन यहाँ करल मात खा गए थे आज भी प्यार और दोस्ती में कन्फ्यूज हैं करल जौहर ने हमें बहुत अच्छी फिल्में दी हैं लेकिन आज भी वह कुछ कुछ होता है कि तरह प्यार और दोस्ती में ही फंसे हैं उनकी यह दुविधा इंटर के बाद साफ नजर आती है फिल्म की कहानी यहाँ से इतनी उलझी हुई है कि इसके सुलझने का इंतजार करने से बेहतर दर्शकों को हाल से उठाना लगता है पाकिस्तान नहीं होकर भी है फिल्म में उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने की मांग की वजह से ए दिल है मुश्किल की रिलीज पर खतरा लग रहा था लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो इसमें पाकिस्तान के रेफरेंस को हटाकर इसे भारत कर दिया गया इसके लिए खास तौर पर लखनऊ का सीन भी दिखाया गया था लेकिन अनुष्का शर्मा का किरदार जिस आधार पर तैयार किया गया था उसमें पाकिस्तान के लहजे और अंदाज की झलक साफ नजर आती है गाने अच्छे हैं लेकिन बांधते नहीं हैं फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट है गाने हर जगह बज रहे हैं सुनने में ये जितने अच्छे लगते हैं उतने स्क्रीन पर नहीं ब्रेकअप शाम को छोड़ दिया जाए तो गाने उवत ही पैदा करते हैं रणबीर अच्छे एक्टर हैं और डांसर भी लेकिन वो बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं फिल्म और निर्देशक अलग होते हैं मगर उनके किरदार ब्रेकअप प्यार का दर्द भावभरे गाने पर लिप सिंह पापा की उम्मीदों का बोझ अपने सपनों को पाना के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ बाकी एक्टर्स से वह पीछे रह जाएंगे अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ के एक्टर्स से जल्द ही वह पीछे रह जाएंगे अगर ये फिल्म किसी को फायदा देती है तो वह है अनुष्का शर्मा को आमिर खान के साथ पीके करने के बाद से वह खूब निखरी हैं सुल्तान में सलमान खान के साथ बेहद कॉन्फिडेंट थी ये दिल है मुश्किल में कई सीन में वह रणबीर कपूर पर भारी पड़ती नजर आती हैं फिल्म का एक खास सीन है जहाँ अश रणबीर और अनुष्का शर्मा साथ में बातचीत करते हैं इस सीन में जहां एस कचप की खूबसूरत लग रही है वही अनुष्का शर्मा का चार्मिंग और कॉन्फिडेंट अंदाज बताता है कि वह बॉलीवुड में सभी की पसंदीदा क्यों हैं बॉलीवुड की झलक फिल्म में बॉलीवुड का कर जौहर ने जमकर पिरोया है भले ही वह सनी लेवन के बेबी डॉल पर रणबीर का डांस हो या डायलॉग या मोड नए पुराने सीक्वेंस दिखे हैं कुछ कुछ होता है चांदनी गाइड समेत कुछ पुरानी फिल्मों के गाने के साथ प्रयोग अच्छा है लेकिन एक हद के बाद फिल्म को खींचता ज्यादा है फवाद खान जब ये फिल्म देखेंगे तो खुद को कोसेंगे कि उन्होंने यह रोल साइन ही किया गया था फिल्म में वह मुश्किल से दो तीन मिनट के लिए ही नजर आते हैं फसाद की वजह से उनका रोल काट दिया का क्योंकि पाई के तुरंत बाद चन्ना गाना आने की वजह सिर्फ उनके रोल का काट जाना भी है किस किस की शादी किस किस की दिखी झलक फिल्म में कैमियों की भरमार है असरा और रणबीर के हार्ट सीन्स पर फिल्म की पब्लिसिटी खूब की गई लेकिन लंबाई के हिसाब से ऐस का रोल भी कैमियो ही है शाहरुख खान भी एक दो दिलकश डायलॉग के लिए सबसे छोटा कहमियों आलिया भट्ट का है शाहरुख खान भी एक दो दिलकश डायलॉग्स के लिए हैं सबसे छोटा कहमियों आलिया भट्ट का है लीजा हेडन इस हिसाब से सबसे फायदे में रहती हैं अनुष्का के मंगेतर का रोल निभाने वाले इमरान अब्बास भी तो पहले बिपासा के लिए क्रिएचर थिरडी में आ चुके थे अगर आप इन जगहों को देख नहीं पाए हैं तो किरदारों और कहानी से नजर हटाकर आप इन खूबसूरत लोकेशंस को देख सकते हैं लंदन की सड़कों को खास तौर पर कहानी के साथ अच्छी तरह बांधा गया है बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से सर्वोपरि रहा है बॉलीवुड में शायद ऐसी कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डूबे बिना लिखी गई हो यानी जिसमें रोमांस का तड़का न लगाया गया हो उस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई करण जौहर की निर्देशित ए दिल है मुश्किल जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी क्या यह दिल है मुश्किल भावात्मक तौर पर एक सफल फिल्म रही थी या फिर यह फिल्म मुश्किल का सामना करी थी आइए जानते हैं यह दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच की एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है जो कि उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है फिल्म की शुरुआत गायक आयन सहगल यानी रणबीर कपूर के इंटरव्यू देने के परिचय से होती है जहाँ वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ आयान और जिंदा दिल्ली उत्साही अलीजा खान अनुष्का शर्मा से एक नाइट क्लब में मिलते हैं दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता लगता है है इतना कि वो कभी ना अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं एक दिन जब आयान और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों लीजा हेडन और इमरान अब्बास के साथ डबल डेट पर जाते हैं उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है जिसकी वजह से उनका उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है अब आयान और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जाते हैं जहाँ दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने ल... जहाँ दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं एक दिन अन और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं वहाँ अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली यानी फौद खान से मिलती है जो कि उस क्लब में डीजे होता है अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली उसके लिए प्यार से उभर रहा है अयान को अपना फैसला सुना देती है वह अन को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और यह वही व्यक्ति है जिससे उससे पहले प्यार हुआ था अयान यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह सबा यानी अशर बच्चन से मिलता है जो कि एक कवियत्री है और एक तलाक शुदा महिला है जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था अयान सबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है सबा को उस रिश्ते में कुछ गड़बड़ सी नजर आती है इन सब के बीच अयान को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख देती है अलीजा के बारे में आयान को ऐसी बात क्या पता चलती है जिससे आयान सदमे में आ जाता है सबा के साथ उसका रिलेशनशिप में क्या अंजाम होता है और आयन किसके साथ सेटल होता है यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्ते और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है जिसमें रईसी की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है ये दिल है मुश्किल भी कुछ इसी तरह की कहानी है जब ये दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए तब से दर्शक के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी यह फिल्म दर्शक की उम्मीद पर खरी उतरती है फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है फिल्म के संवाद वाकई जीवंत हैं और इसके स्तन व लाइनर निश्चित रूप से दर्शकों यानी विशेष रूप से नौजवानों के बीच गूंजे थे हालांकि ये दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं ऐसा क्या है जो बाकी फिल्मों से अलग बनाता है वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। जो कि काल जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है दिल है मुश्किल में और सब कुछ है जो करल जौहर की फिल्मों में होता है इसकी परिपक्ता कहानी के बावजूद यह फिल्म हर उम्र के वर्ग को भाएगी विशेष रूप से नौजवानों को कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम कभी अलबिदाना कहना माइन इज खान और स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करड़ जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमाल संभाली थी इस फिल्म पर करट जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है करड़ जौहर जो कि अपनी फिल्म के स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने स्टैक को सार्थक करते हैं ए दिल है मुश्किल के साथ करड़ जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं और इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्या उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी का वक्ता कहा जाता है यदि एक शब्द में कहा जाए तो ए दिल है मुश्किल में करण जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है बिना किसी नौटंकी या हाथ से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाए सीन का सहारा लिए इमोशनल पल संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमेक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करण जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है वही फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म की गति यानी क्लाइमैक्स की ओर ध्यान डालता है उस सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डालगानों की धनों पर थिरकते हैं जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझ आती है तो रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्पस में उनके बॉलीवुड सपने को जीते हैं और फिल्म के सेकंड हाफ में मिडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन हैं अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणवीर कपूर जिसकी विशेष रूप से रॉय बॉम्बे बिलबेट और तमाशा जैसी फिल्मों के एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी से संबंधित है ये है मुश्किल में रणवीर कपूर बहुत जँचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना हो रणवीर कपूर जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं ने इस फिल्म को जिया है यह कहना गलत नहीं होगा कि ए दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है वही दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया है और पूरी शिद्दत से अपना रोल निभाया है फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है इतना कि लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे बिलबेट की पराजय के पीछे ही छोड़ देंगे कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं अचर राय बच्चन फिल्म में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत क्लासी और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं। अशर्या को इस तरह से पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे में से पूरे अंक दिए जाने चाहिए बात रणबीर कपूर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की ऐसी उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती हैं, जैसा कि ऐसे उम्मीद की गई थी फवाद खान जिनकी भूमिका निर्देशक से काट दी गई थी जितना भी उन्हें समय मिला उसमें से बहुत जचे हैं फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो काम कामचलाउ है दूसरी ओर शाहरुख खान और लिसा हेडन का कैमियो शानदार रहा ए दिल है मुश्किल का संगीत प्रीतम पहले से ही सुपरहिट है ए दिल है मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट था और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं बुलाया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गति को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर प्रीतम भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी मदद करता है फिल्म का छायांकन जो कि अनिल मेहता ने दिया है उत्कृष्ट है जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों तो को शूट किया है वह वाकई काबिल तारीफ है हालांकि फिल्म का संपादन जो कि मड़िक डावर ने किया है अच्छा है यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो यह निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती कुल मिलाकर यह दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करल जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है यह पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है जो कि बड़े कैनवास पर शानदार लुभावने दृश्यों चार्ट बस्टर म्यूजिक और एक मनोरंजन पटकथा से भरी है करल जौहर सफल निर्माता निर्देशकों में शुमार हैं चार साल के लंबे अंतराल के बाद करल जौहर ने ए दिल है मुश्किल से बतौर निर्देशक सिनेमाघरों में दस्तक दे चुके थे फिल्मकार करण जौहर की एक तरफे प्यार वाली रची कहानी या दिल है मुश्किल में कितना नयापन है आइए जानते हैं करण जौहर के अनुसार इस कहानी को सिर्फ नौ दिनों में पूरा किया गया था नौ दिन में लिखी कहानी में अमीर बाप की औलाद अन है और एक खुले ख्याल की लड़की अली जहा है दोनों किसी के प्यार में हैं और अचानक जिनको एहसास होता है कि उनके प्रेमी दरअसल उनके लायक नहीं हैं अन और अलीजा में दोस्ती बढ़ने लगती है लेकिन अन दोस्ती को प्यार समझ लेता है और इजहार करने पर उसको भारतीय लड़कियों वाला जवाब अलीजा से मिलता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं अलीजा का निकाह किसी और से हो जाता है अनान की जिंदगी में एक तलाक शुदा महिला सभा आती है अन अलीजा को जलाने के लिए उसके प्यार में पड़ जाता है सबा जल्द भाप लेती है कि यहाँ एक तरफा प्यार है इस तरह से कुछ अन्य किरदार भी शामिल होते हैं करण जौहर की नई कहानी कुछ कुछ होता है और कभी अलविदा न कहना से मारी हुई है करण कहानी में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें फिल्म खूबसूरत बनाने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे खूबसूरत चेहरों को कहानी में डाल दिया आलिया भट्ट और शाहरुख खान को भी कहानी में खड़ा कर दिया अनुष्का शर्मा का अभिनय से सबसे बढ़िया है रणवीर कपूर चार्मिंग स्टार हैं हालांकि कुछ जगहों पर निराश करते हैं रणवीर कपूर को इस तरह के किरदारों से बाहर आना चाहिए ऐश्वर्या बच्चन की कहानी तो ट्रेलर से परे नहीं है फिल्म का संगीत बेहतरीन है वह लाइनर चुटेले संवाद और उर्दू की शेरों शायरी की मौजूदगी काफी हद तक फिल्म को संभालने में कामयाब रहती है सिनेमाटोग्राफी बा कमाल है जैसे कि अनुष्का शर्मा ने हाल ही में कहा था कि तरण जोहर की फिल्म में आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती कि आप कैसे दिखेंगे शाहरुख खान और लीजा हेडन छोटी भूमिकाओं में थे लेकिन अपने अभिनय से दर्शकों के चेहरे पर खुशी की लहर छोड़ जाते हैं यदि आप बेहतरीन घर लिबास जगह खूबसूरत चेहरे किसिंग सीन रोमांस और संगीत के लिए किसी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो ए दिल है मुश्किल बुरा सौदा नहीं होगा यदि आप चाहते हैं कि एक सरल कहानी हो अंत में कोई निचोड़ निकलता हो तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल सही है तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल भी सही नहीं है कर्ज जौहर को अब इस दायरे से बाहर आना चाहिए था अब करल जौहर की रोमांस कहानियाँ उलझने लगी थी कहानी शुरू होती है लंदन से जहां अन यानी रणबीर कपूर एम की पढ़ाई कर रहा है हालांकि उसकी दिलचस्पी सिंगिंग में है लेकिन पेरेंट्स की इच्छा पूरी करने के लिए वह पढ़ाई करता है इसी बीच उसकी मुलाकात एलिजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है धीरे धीरे इनकी दोस्ती पक्की होती जाती है एक तरह अन को एलिजा से प्यार हो जाता है उधर एलिजा अली यानी फौद खान के पास दोबारा लौट उनसे शादी करने के लिए तैयार है लंदन से कहानी लखनऊ पहुँचती है जहाँ एलिजा और अली का निकाह होना है क्या आया की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी ये फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है बेहतरीन एक्टिंग दिखाकर आपको इमोशनल कर देंगे उनके लुक्स और डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट हैं वही मुस्लिम किरदार में अनुष्का शर्मा खिली हैं फिल्म में रणबीर और अनुष्का ने बेहतरीन काम किया है इन दोनों की एक्टिंग फिल्म की हाईलाइट है अश्वर्या बच्चन ने फिल्म में हार्टनेस का तड़का लगाया है शाहरुख खान फवाद खान आलिया भट्ट लीजा हेडन और दीप्ति नवल के छोटे छोटे पोर्शन भी फिल्म के लिए एक एसर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल में आपको टिपिकल करण जौहर स्टाइल डायरेक्शन देखने को मिले था लोकेशन सेट म्यूजिक सभी पर खास ध्यान दिया गया था हालांकि इस फिल्म में करण की पुरानी फिल्मों की झलक भी दिखी थी पिछली फिल्मों के वन लाइनस डायलॉग सुनने को मिले थे फिल्म हाँ में सेकेंड हाफ में असुर्रा की एंट्री होती है जिसके बाद करण जौहर स्टाइल में मिलना बिछड़ना प्यार तकरार दिखाया गया था सेकंड हाफ में फिल्म का घुमाव आपको बोर कर सकता है इसे बेहतर बनाया जा सकता था है का म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया था जो रिलीज से पहले ही हिट था फिल्म के टाइटल सॉन्ग से लेकर बोलया चन्ना मेरे या ब्रेकअप सॉन्ग क्यूटी पाई सभी गाने पसंद किए गए थे पुरानी बोतल में नई शराब नया लेबल क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं

कितने कंटेक्ट हैं इनका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है आयान रणबीर कपूर लंदन में पैदा हुआ और पला है ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाला पल दो पल ग्लैमर ही चमक है और इसे देखने पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं है जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकते हैं क्योंकि अंततः प्यार यहाँ भी का आंसर है जवानी में कदम रख चुके आयन का बचपन गया नहीं है और इसी नादानी में उसे तीन बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है मगर अलीजा उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानती क्योंकि उसे प्यार का दर्द नहीं देना चाहती अलीजा के लिए प्यार में जुनून है और दोस्ती में सुकून है वह आयान के संग साथ में घूमती है अलीजा से दूर होकर अन जब शायरी करने वाली तलाकशुदा सबा से मिलता है तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है परंतु उससे प्यार नहीं कर पाता फिल्म प्यार की तलाश करते आयान की कहानी है जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है ये दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफी देर तक दिशाहीन लफाजी की तरह लगता है जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है अलीजा और अन बार बार शराब खानों क्लबों और कमरों में लौटकर आते हैं इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं घटता घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डीजे अली की एंट्री के साथ जब अलीजा उसके लिए आयान को अपने से दूर कर देती है मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है असल में पूरी फिल्म करल जौहर के पुराने सिनेमा से कुछ अलग नहीं कहती उनकी भावनाएं भी नई नहीं, नहीं हैं रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों में काम कर रहे हैं इसमें उनका नुकसान है यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देती है कि देख दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे कुछ इसे उनके कम का भी नाम देंगे अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है उनके चेहरे पर पहले से ही संवेदनाओं की गहराइयाँ नहीं दिखती ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ हर दृश्य में कम के लिए बेचैन नजर आती हैं अंततः फिल्म उन्हें निराश ही करेगी क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रसंगिक होकर खो जाता है वह कहानी के बीच में आती है और बीच में ही लापता हो जाती है फिल्म का गीत संगीत जरूर इन दोनों अन्य फिल्मों के मुकाबले में सुनने लायक था करण अगर अपने सिनेमा को खांचों में तोड़ सके तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद 2012 में करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टाकेज फिल्म में एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था अब करण ने रणबीर कपूर असुरराय बच्चन और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की थी जिसे ए दिल है मुश्किल नाम दिया गया था आखिर कैसी बनी थी फिल्म आइए जानते हैं फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी आया ने रणबीर कपूर की है जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है लेकिन अपने पिता के डर की वजह से एम की पढ़ाई करता है जहाँ उसकी मुलाकात अली जय यानी अनुष्का शर्मा से होती है और अन को अली जय से एक तरफा प्यार हो जाता है हालांकि अली जय इसे दोस्ती का नाम देती है फिर कहानी आगे बढ़ती है और सबा यानि तलियार खान यानी असर बच्चन की एंट्री होती है कहानी में कई मोड़ आते हैं और क्या अन का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है यही इस फिल्म में दिखाया जाता है फिल्म के एक्ट्रेस रणबीर कपूर असर बच्चन अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफ़ी उम्दा काम किया है फिल्म में शाहरुख खान लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीरेंस भी हैं और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं फिल्म एक म्यूजिकल और विजुअल ट्रीट है जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है अगर आपको शेर व शायरी का शौक है तो फिल्म के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर सुन लेते हैं फिल्म का सिकंडहाप काफ़ी बड़ा लगता है बहुत सारे उतार चढ़ाव आने की वजह से सवाल जहन में चलने लगते हैं कि आखिर फिल्म ख़त्म कहाँ होगी ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फायदेमंद था लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज़्यादा कैश किया जा सकता था साथ ही इन दोनों की एंट्री भी इंटरोल के बाद ही होती है एक वक्त के बाद जहन में यह भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या हैं इंटरल के बाद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया के साथ साथ भारत में भी की गई है प्रचार प्रसार के साथ इस फिल्म का बजट लगभग करोड़ रुपए बताया जा रहा था ये दिल है मुश्किल की कहानी प्यार के बारे में है या किस तरह का रूप लेता है या कैसे लोगों को बदल देता है या कैसे बहुत खुश करता है तो कभी लोगों को डराता है यह दो किरदारोंजाह है अनुष्का शर्मा और अया रणबीर कपूर के कभी साथ में रहने कभी अलग रहने उनके प्यार और दिल टूटने की कहानी है अलीजा पूरी तरह से खुद पर भरोसा करने वाली लड़की है जो अभी भी अपने पुराने रिश्ते के टूटने से हुए प्रभाव से धीरे धीरे उभर रही है आयान एक नौजवान है जिसे प्यार या दिल टूटने को लेकर कोई अनुभव नहीं है उसके अंदर गाने की इच्छा पल रही है उनकी एक रात न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है और जिंदगी बदलने वाला रिश्ता जन्म लेता है यह रिश्ता मजाक चिंता और बॉलीवुड की हर चीज़ पसंद होने पर आधारित है दोनों जिंदगी में आगे बढ़ने पर नए अनुभव पाते हैं जिनके आधार पर उनकी जिंदगी जुनून और प्यार को लेकर सोच बनती है उन्हें सच्चा साथी मिलना क्या होता है इसकी भी समझ आती है कैसे अलीजा और अन जैसे लोग जो प्यार को लेकर जुड़ते हैं फिर अलग होते हैं और प्यार को समझते हैं फिल्म में बारीकी से दर्शाया गया है करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित थे अपने करियर के शुरुआत में उनके सिनेमा पर यह छाप महसूस की जा रही थी पिछली दो फिल्मों माई नेबिस खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उन्होंने कुछ हटकर करने की कोशिश की थी लेकिन ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर परचिर रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे थे ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेट उन्होंने पेश किया है एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है आयान यानी रणबीर कपूर प्राइवेट जेट वाला अमीर है गाना और इश्क के सवाइश की जिंदगी में कुछ भी नहीं है अनान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप्स को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है अनान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अली जहाँ यानी अनुष्का शर्मा से जो कि अली यानी फौद खान के इश्क में गिरफ्त है वह अन को अपना सच्चा दोस्त मानती है वह इश्क में जुनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है अली के इश्क में उसे वह जुनून नहीं मिलता जो आन की दोस्ती में मिलता है अनान का प्यार एक तरफ़ा है वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है लेकिन अलीजा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अली से निकाह कर लेती है दिल टूटने के बाद एन की ज़िंदगी में खूबसूरत शायरा सबा यानी अशरा राय आती है लेकिन आयान के लिए वह ज़रूरत है ख्वाहिश नहीं सबा यह बात समझ जाती है और आयान से अलग हो जाती है उनका आयान के प्रति एक तरफा प्यार था सबा तलाकशुदा है पूर्व पति ताहिर यानी शाहरुख खान और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कुछ कुछ होता है कभी अलविदा न कहना जैसी अपनी फिल्मों को मिला जुला कर करड़ ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है फिल्म की शुरुआत बढ़िया है आयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं जो पूरी आज़ादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है महानगर में रहने वाले युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं लंदन की लाइफ स्टाइल कलाकारों का स्टाइल लुक उनकी कूलनेस आपको बांधे रखती है इंटरवल के बाद इन बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है लेखक के रूप में करड़ जौहर दुविधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए दर्शकों का ध्यान बटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाएं। फिल्म और कमजोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दाव चलाया जाता है लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से ऊब चुके होते हैं स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदार में प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते उन्हें सब सतही लगता है मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है मुख्य किरदारों को एक तरफा प्यार से लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार करते हैं ऐसा लगता है कि करण को अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था अयान और सभा के रिश्ते को इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है कि दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया अलीजहा और अली के ब्रेकअप की भी ठोस वजह सामने नहीं आई ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियाँ फिल्म देखते समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं ऐसी भी नहीं है फिल्म बहुत ही ज्यादा उबाती या पकाती है निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखन की कमी को ढकने में कुछ हद तक सफल भी रहे हैं उनका प्रस्तुतिकरण ताजगी से भरा है इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलेखा उन्हें आता है कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो मनोरंजन करते हैं पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया है लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं हैं खास तौर पर सेकंड हाफ में करड़ के हाथों से फिल्म छूट जाती है और कुछ लंबी लगती है संगीत के मामले में फिल्म अमीर है गीतकार अमित भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है अमिताभ द्वारा लिखे गए शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुने पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं ये दिल है मुश्किल बुलया क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है बिंदास बेपरवाह मजबूत अलीजा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिया है दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर भाव लाए हैं प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है कई दृश्यों में उन्होंने रणबीर कपूर को बैकफुट पर ढकेल दिया है जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं रणबीर की तारीफ इस बात के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सधा हुआ अभिनय किया ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है जिस पाकिस्तानी अभिनेता फवाद अली खान को लेकर इतना हल्ला मचाया गया था वह चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं लगता है करण ने उनके रोल पर कैंची चला दी थी शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्हें क्यों रोमांस का बादशाह कहा जाता है लिसा हेडन का, का काम तारीफ के काबिल है फिल्म को सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती है उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफी पैसा खर्च किया गया है ये दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है लेकिन कंटेंट में कसर रह गई ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थी इसके निर्माता थे अपूर्वा मेहता हीरो एस जौहर और करड़ जौहर इसका निर्देशन किया था करड़ जौहर ने संगीत इसमें दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने इसमें कलाकार थे रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान लिसा खान अनुष्का शर्मा, और रणबीर कपूर ने एक साथ फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम किया था करीब छह साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर जहां अनुष्का के साथ काम करने में कंफर्टेबल थे वही अशुरा के साथ सीन करने में झिझक महसूस हो रही थी इस फिल्म को लेकर कई तरह की यादें जुड़ी हुई थी चलिए सबसे पहले बताते हैं कि अनुष्का रणबीर और एशरा को करण जौहर ने कैसे कास्ट किया था करण जौहर ने साल 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे बुलबर्ट में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा को देखा था उनकी कास्टिंग और केमिस्ट्री करण को इतनी पसंद आई कि उन्हें अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए चुन लिया था वही अब बारी थी फिल्म के तीसरे और दमदार किरदार की जिसके लिए उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था एशरा राय करण उनको अपनी कई फिल्मों में लेना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी इस फिल्म में कास्ट करने के लिए भी करण को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी ऐश्वर्या राय बच्चन को मुश्किल से राजी कर पाए थे करण जौहर दरअसल बच्चन अपनी बेटी के के पैदा होने के बाद करने की कोशिश कर रही थी ऐसे में जब करण जौहर ए दिल है मुश्किल का ऑफर लेकर पहुंचे और फिल्म की स्टोरी सुनाई तो ऐश ने मना कर दिया किसिंग सीन और भी अपने छोटे से एक्टर के साथ ऐश्वर्या ने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो करण भी उनकी दुविधा को समझ रहे थे इसलिए कहा कि इस सीन को इस तरह से शूट किया जाएगा कि उनकी इमेज पर इसका असर नहीं होगा ये तो थी असर राय बच्चन की बात अनुष्का शर्मा और रणवीर कपूर चुक पहले से भी काम कर चुके हैं और दोनों अच्छे फ्रेंड भी हैं। एक सीन के दौरान अनुष्का ने इतना जोर का थप्पड़ मारा कि रणवीर सन्न रह गए इस सीन का जिक्र अनुष्का शर्मा और रणबीर ने एक इंटरव्यू में किया था रणबीर ने कहा था कि अनुष्का अपने सीन में घुस जाती हैं और उन्हें बिल्कुल सच करने की कोशिश करती हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे तीन थप्पड़ मार दिए थे अनुष्का ने बताया कि पहले रणबीर का शॉट ले लिया गया फिर मुझे उसे चाटा मारने के लिए कहा गया लेकिन शॉर्ट के दौरान मैं ऐसी खो गई जिससे शॉट ओके हुए रणबीर ने मुझसे पूछा कि तुम सच में थप्पड़ क्यों मार रही हो फिर भी मुझे लगा कि वह गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा है बाद में मुझे एहसास हुआ तो माफ़ी मांग ली थी। इस फिल्म के निर्माता करण जौहर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ये एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी या दो तीन लोगों को आपस में प्यार होने की कहानी नहीं है ये फिल्म को एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप दिल टूटने और प्यार करने की कहानी है मैंने अपने पूरे जीवन इस तरह की फिल्म नहीं बनाई है बता दें कि इस फिल्म में गाने भी दिल को छू लेने वाले थे यह दिल है मुश्किल की कहानी है गायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले अन की जिसे अलीजा नाम की लड़की से इश्क हो जाता है अलीजा का पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है लेकिन उसका पुराना प्रेमी अली उसकी ज़िंदगी में आता है और वह उससे शादी कर लेती है इसके बाद अनान की ज़िंदगी में सबा नाम की एक सारा आती है जो पहले से तलाकशुदा है अन की भूमिका में है रणबीर कपूर अलीजा का रोल किया है अनुष्का शर्मा ने और सबा का किरदार निभाया है अशर्रा राय ने फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें कुछ नयापन नहीं है हाँ इसकी पटकथा थोड़ी अलग है फिल्म के पहले हिस्से में काफ़ी मनोरंजन है कई जगह पुरानी फिल्मों की नकल या उसके डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है जो हंसाते हैं रणबीर कपूर और ऐश्वर्य राय ने फिल्म में अपने किरदार अच्छे से निभाए हैं लेकिन अनुष्का शर्मा का अभिनय जबरदस्त है फिल्म के तीन चार गाने इसकी जान हैं जो पहले ही हिट हो चुके थे वही दूसरी तरफ फिल्म का दूसरा भाग यानी एंट्रोल के बाद का हिस्सा ढीला और सुस्त नजर आता है इमोशन नाम के हथियार को अक्सर भुनाने वाले करण जौहर ने दूसरे भाग में इमोशन तो डाला है मगर दृश्य दिल को कुछ खास नहीं छूते हैं फिल्म में हीरोइन को जानलेवा बीमारी का फार्मूला पुराना लगता है फिल्म की लंबाई भी जरूरत से ज़्यादा लंबी लगती है करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म ए दिल है मुश्किल एक लव स्टोरी है जिसमें किसी को किसी से इश्क होता है एक रिश्ता टूटता है तो दूसरा जुड़ता है मगर इन सब के बीच शायद करण ने यह बताने की कोशिश की है कि प्यार चाहे प्रेमी से हो या दोस्त से किसी के बिना भी रहना मुश्किल है लंबे अरसे से हिट हिट को तरस रहे कपूर की हिट की तलाश उस बार फिर करण जौहर के बैनर से ही पूरी होनी थी बताओ डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई थी बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा था लेकिन इसका सीधा फायदा उस दिन फिल्म की रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया था फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटरों में 80 से 90 फीसदी की ओपनिंग मिली तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50 से 70 फीसदी तक की एक मिली थी करण ने इस फिल्म पर करीब पचासी करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया रिलीज से पहले मीडिया में रणबीर कपूर और ऐश्वर्य राय बच्चन के आतरंग सीन को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन फिल्म देखने के बाद लगता था कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी पाक एक्टर फौद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर में क्रेस इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर का जमघट नजर आया ए दिल है मुश्किल की कहानी में आया ने रणबीर कपूर बेशक अच्छा नहीं गाता लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफी जैसा नामी सिंगर बनना है अपने पापा के डर से आया ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में एम बी ए की स्टडी कर रहा है बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाली अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उल्टा है उसे डांस पार्टी बाजी पसंद नहीं है इसी के बीच एक दिन अन और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वह दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं सो अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और अन अपनी लबर को छोड़कर मौज मस्ती करने पैरिस निकलते हैं पैरिस मेंान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेानतहा प्यार करता है लेकिन अलीजा अन को अपने दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझती अलीजा का कुछ अर्सा पहले डी जे अली यानी फौद खान के साथ ब्रेकअप हो चुका है ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उभरने के लिए अलीजा अपना ज़्यादा वक्त आयान के साथ गुजारती है अचानक एक दिन अली फिर अलीजा की ज़िंदगी में लौट आता है अलीजा बयान को छोड़कर अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है यही कहानी में सबाया खान यानी अशर राय बच्चन की एंट्री होती है जो शेर व शायरी करती है सबा बेनतहा खूबसूरत है अनान भी अच्छा सिंगर बन चुका है सभा के एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर करके रख देता है पूरी फिल्म रणबीर कपूर और, और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है रॉक स्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में थे अयान के किरदार में यकीन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की थी वही बिंदासजा के किरदार को अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया था एंड रोल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंट डिफरेंस में नजर आई थी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई थी फवाद खान और सरा राय को बेशक ज्यादा फुटेज नहीं मिली थी लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया था शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है अगर बताओ डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करीब चार साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कंभाल संभाली थी म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब मास्टरी है इंटरल से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो एंगस्टर की कसौटी पर सौ फिस्ती खरा उतरता है तो वही इंटरल के बाद ने इमोशन का तड़का लगाया है स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करड़ ने फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया में भी की थी इंट्रोल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है लेकिन करड़ ने सुरीले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशन का सहारा फिल्म को कहीं कमजोर नहीं होने देता रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुके थे करण ने इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया था जो यंगस्टर की कसौटी पर पूरी तरह से खड़ी उतरते हैं

आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म में रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन और फौद खान मुख्य किरदारों में नज़र आए थे फिल्म एस और रणबीर के एंटीमेट सीन ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी वही अनुष्का शर्मा के साथ उनकी दोस्ती को भी खूब पसंद किया गया था फिल्म की कहानी शुरू होती है यानी रणबीर कपूर से जो लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा है इसी बीच उसकी मुलाकात अलीजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है वह एक बिंदास लड़की है जिसे पार्टी करना नाइट क्लब जाना बहुत पसंद है एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए इनकी दोस्ती और गहरी होने लगती है लेकिन एलिजा का एक बॉयफ्रेंड है डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास वह काफ़ी एलिजा से बिल्कुल अलग और बोरिंग सा है वही आयान भी एक फैशनेबल गर्लफ्रेंड है कुछ वक्त आयान और एलिजा को पता चलता है कि वह जिन लोगों को डेट कर रहे हैं वह तो उनके लायक ही नहीं है इसके बाद ये दोनों उनसे ब्रेकअप करके पेरिस घूमने चले जाते हैं इन बीच अयन को एलिजा से प्यार हो जाता है लेकिन तभी एलिजा की मुलाकात डॉक्टर अली यानी फौद खान से होती है जो कभी एलिजा का बॉयफ्रेंड था इसके बाद फिल्म फिल्म में में कई ट्विस्ट होते हैं एंट्री कैसे होती है आयान के एक तरफा प्यार का क्या अंजाम होगा ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में मिलते हैं इस फिल्म को टिपिकल कलर जौहर फिल्म कहा जा सकता है जहां एक तरफ इसके ट्विस्ट आपको अंत तक बांधे रखने में सफल साबित होते हैं वहीं इसमें उनकी पुरानी फिल्मों की भी कुछ झलकियाँ महसूस होती हैं फिल्म में रणबीर कपूर ने बेहद शानदार अभिनय किया है पिछले काफी वक्त से फ्लॉप फिल्म देने के बाद इसे रणबीर की कम फिल्म कह सकते हैं वह अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के बाद एक बार फिर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने भी एक मुस्लिम लड़की के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा था एक बिंदास और बेबाक लड़की की भूमिका में काफी जच रही थी अशर ने भी अपने हार्ट एंड बोल्ड अंदाज का जबरदस्त तड़का लगाया था इसे एक एंटरटेनमेंट पैकेज कहा जा सकता है फिल्म में काफ़ी हंसी मज़ाक के साथ एक बेहतरीन कहानी दोस्ती और एक तरफा प्यार की ताकत देखने को मिलती है फिल्म की पैकेजिंग और स्टाइलिंग अच्छी है लेकिन कहानी सधी हुई नहीं है पहला हिस्सा मस्ती भरा है लेकिन आधे घंटे में ही फिल्म खिंची हुई लगती है स्टार पावर म्यूजिक सब का जुमवाड़ा तभी काम करता है जब कहानी में दम हो लेकिन यहाँ करल मात खा गए थे आज भी प्यार और दोस्ती में कन्फ्यूज हैं करण जौहर ने हमें बहुत अच्छी फिल्में दी हैं लेकिन आज भी वह कुछ कुछ होता है कि तरह है। प्यार और दोस्ती में ही फंसे हैं उनकी यह दुविधा इंटरल के बाद साफ नजर आती है फिल्म की कहानी यहाँ से इतनी उलझी हुई है कि इसकी सुलझने का इंतजार करने से बेहतर दर्शकों को हाल से उठाना लगता है पाकिस्तान नहीं होकर भी है फिल्म में उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने की मांग की वजह से ए दिल है मुश्किल की रिलीज पर खतरा लग रहा था लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो इसमें पाकिस्तान के रेफरेंस को हटाकर इसे भारत कर दिया गया इसके लिए खास तौर पर लखनऊ का सीन भी दिखाया गया था लेकिन अनुष्का शर्मा के किरदार जिस आधार पर तैयार किया गया था उसमें पाकिस्तान के लहजे और अंदाज की झलक साफ नजर आती है गाने अच्छे हैं लेकिन बांधते नहीं हैं फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट है गाने हर जगह बज रहे हैं सुनने में ये जितने अच्छे लगते हैं उतने स्क्रीन पर नहीं ब्रेकअप शाम को छोड़ दिया जाए तो गाने उवत ही पैदा करते हैं रणबीर अच्छे एक्टर हैं और डांसर भी लेकिन वो बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं फिल्म और निर्देशक अलग होते हैं मगर उनके किरदार ब्रेकअप प्यार का दर्द भावभरे गाने पर लिप सिंह पापा की उम्मीदों का बोझ अपने सपनों को पाना के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ बाकी एक्टर्स से वह पीछे रह जाएंगे अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ के एक्टर्स से जल्द ही वह पीछे रह जाएंगे अगर ये फिल्म किसी को फायदा देती है तो वह है अनुष्का शर्मा को आमिर खान के साथ पीके करने के बाद से वह खूब निखरी हैं सुल्तान में सलमान खान के साथ बेहद कॉन्फिडेंट थी ये दिल है मुश्किल में कई सीन में वह रणबीर कपूर पर भारी पड़ती नजर आती हैं फिल्म का एक खास सीन है जहाँ अश रणबीर और अनुष्का शर्मा साथ में बातचीत करते हैं इस सीन में जहाँ एस कचप की खूबसूरत लग रही हैं वही अनुष्का शर्मा का चार्मिंग और कॉन्फिडेंट अंदाज बताता है कि वह बॉलीवुड में सभी की पसंदीदा क्यों हैं बॉलीवुड की झलक फिल्म में बॉलीवुड के करल जौहर ने जमकर पिरोया है भले ही वह सनी लेवन के बेबी डॉल पर रणबीर का डांस हो या डायलॉग या मोड नए पुराने सीक्वेंस दिखे हैं कुछ कुछ होता है चांदनी गाइड समेत कुछ पुरानी फिल्मों के गाने के साथ प्रयोग अच्छा है लेकिन एक हाथ के बाद फिल्म फिल्म को ज्यादा है। फवाद खान जब फिल्म देखेंगे तो खुद को कोसेंगे कि उन्होंने यह रोल साइन ही किया था फिल्म में वह मुश्किल से दो तीन मिनट के लिए ही नजर आते हैं साथ फसाद की वजह से उनका रोल काट दिया गया हो क्यूटी पाई के तुरंत बाद चन्ना गाना आने की वजह सिर्फ उनके रोल का काट जाना भी है किस किस की शादी किस किस किसकी दिखी झलक फिल्म में कैमियों की भरमार है असरा और के के हार्ट सीन्स पर फिल्म की की पब्लिसिटी खूब गई लेकिन लंबाई हिसाब से एस का रोल भी ही है शाहरुख खान भी एक दो दिल्कस डायलॉग के लिए सबसे छोटा आलिया भट्ट का है शाहरुख खान भी एक दो दिलकश डायलॉग्स के लिए हैं सबसे छोटा कैमियों आलिया भट्ट का है लीजा हेडन इस हिसाब से सबसे फायदे में रहती हैं अनुष्का के मंगेतर का रोल निभाने वाले इमरान अब्बास भी पहले बिपाशा के लिए क्रिएचर थ्रीडी में आ चुके थे अगर आप इन जगहों को देख नहीं पाए हैं तो किरदारों और कहानी से नजर हटाकर आप इन खूबसूरत लोकेशंस को देख सकते हैं लंदन की सड़कों को खासतौर पर कहानी के साथ अच्छी तरह बांधा गया है बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से सर्वोपरि रहा है बॉलीवुड में शायद ऐसी ही कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डूबे बिना लिखी गई हो यानी जिसमें रोमांस का तड़का ना लगाया गया हो उस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई करण जौहर की निर्देशित ए दिल है मुश्किल जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी क्या ए दिल है मुश्किल भावनात्मक तौर पर एक सफल फिल्म रही थी या फिर यह फिल्म मुश्किल का सामना करी थी आइए जानते हैं ए दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच की एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है जो कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है फिल्म की शुरुआत गायक आयन सहगल यानी रणबीर कपूर के इंटरव्यू देने के परिचय से होती है जहाँ वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां अन और जिंदा दिल्ली उत्साही अलीजा खान यानी अनुष्का शर्मा से एक नाइट क्लब में मिलते हैं दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है कि वो कभी न अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं एक दिन जब अन और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों लीजा हेडन और इमरान अब्बास के साथ डबल डेट पर जाते हैं उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है जिसकी वजह से उनका उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है अब आयन और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जाते हैं जहाँ दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने ल... जहाँ दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं एक दिन आयान और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं वहाँ अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली फौद खान से मिलती है जो कि उस क्लब में डीजे होता है अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली उसके लिए प्यार से उभर रहा है अन को अपना फैसला सुना देती है वह अन को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और यह वही व्यक्ति है जिससे उससे पहले प्यार हुआ था अनान ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह सबा यानी अशर बच्चन से मिलता है जो कि एक कवियतरी है और एक तलाक शुदा महिला है जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था अनान सबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है सबा को उस रिश्ते में कुछ गड़बड़ सी नजर आती है इन सब के बीच आयान को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख देती है अलीजा के बारे में आयान को ऐसी बात क्या पता चलती है जिससे आयान सदमे में आ जाता है सबा के साथ उसका रिलेशनशिप में क्या अंजाम होता है और आयान किसके साथ सेटल होता है यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्ते और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है जिसमें रईसी की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है ए दिल है मुश्किल भी कुछ इसी तरह की कहानी है जब ए दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए तब से दर्शक के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी यह फिल्म दर्शक की उम्मीद पर खरी उतरती है फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है फिल्म के संवाद वाकई जीवंत हैं और इसके स्तन व लाइनर निश्चित रूप से दर्शकों यानी विशेष रूप से नौजवानों के बीच गूंजे थे हालांकि यह दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं ऐसा क्या है जो बाकी फिल्मों से अलग बनाता है वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अत्यंत परपक्ता जो कि करण जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है यह दिल है मुश्किल में और सब कुछ है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है इसकी परिपक्वता कहानी के बावजूद यह फिल्म हर उम्र के वर्ग को भाएगी विशेष रूप से नौजवानों को कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम कभी अल्बाना कहना माइन अमिज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमाल संभाली थी इस फिल्म पर करण जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है करण जौहर जो कि अपनी फिल्म के स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने स्टैग को सार्थक करते हैं ए दिल है मुश्किल के साथ करड़ जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं और इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी का वक्ता कहा जाता है यदि एक शब्द में कहा जाए तो ए दिल है मुश्किल में करण जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है बिना किसी नौटंकी या हाथ से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाए सीन का सहारा लिए इमोशनल पल संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमैक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करण जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है वही फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म की गति यानी क्लाइमैक्स की ओर जान डालता है उस सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डालकानों की धुनों पर थिरकते हैं जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझाती है तो रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्पस में उनके बॉलीवुड सपने को जीते हैं और फिल्म के सेकंड हाफ में मिडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन हैं अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणबीर कपूर जिसकी विशेष रूप से रॉय बॉम्बे बेलबेट और तमाशा जैसी फिल्मों के एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी से संबंधित है ये दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर बहुत जचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना हो रणबीर कपूर जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं ने इस फिल्म को जिया है यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है वही दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया है और पूरी शिद्दत से अपना रोल निभाया है फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है इतना कि लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे बिलबेट की पराजय के पीछे ही छोड़ देंगे कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं अचार्य राय बच्चन फिल्म में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत क्लासिक और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं अश्वर्या को इस तरह से पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे में से पूरे अंक दिए जाने चाहिए बात रणबीर कपूर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की ऐसी उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती हैं जैसा कि ऐसी उम्मीद की गई थी फवाद खान जिनकी भूमिका निर्देशक से काट दी गई थी जितना भी उन्हें समय मिला उसमें से बहुत जचे हैं फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो काम चलाउ है दूसरी ओर शाहरुख खान और लिशा हैडन का कैमियो शानदार रहा दिल है मुश्किल का संगीत प्रीतम पहले से ही सुपरहिट है दिल है मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट था और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं बुलाया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गत को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर प्रीतम भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी मदद करता है फिल्म का छायांकन जो कि अनिल मेहता ने दिया है उत्कृष्ट है जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों तो को शूट किया है वह वाकई काबिल तारीफ है हालांकि फिल्म का संपादन जो कि मड़िक डावर ने किया है अच्छा है यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो यह निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती कुल मिलाकर यह दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करण जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है या पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है जो कि बड़े कैनवास पर शानदार लुभावने म्यूजिक और एक मनोरंजन पटकथा से भरी है करल जौहर सफल निर्माता निर्देशकों में शुमार हैं। चार साल के लंबे अंतराल के बाद करल जौहर ने ए दिल है मुश्किल से बतौर निर्देशक सिनेमाघरों में दस्तक दे चुके थे फिल्मकार करण जौहर की एक तरफे प्यार वाली रची कहानी ए दिल है मुश्किल में कितना नयापन है आइए जानते हैं करण जौहर के अनुसार इस कहानी को सिर्फ नौ दिनों में पूरा किया गया था नौ दिन में लिखी कहानी में अमीर बाप की औलाद अन है और एक खुले ख्याल की लड़की अलीजा है दोनों किसी के प्यार में हैं और अचानक जिनको एहसास होता है कि उनके प्रेमी दरअसल उनके लायक नहीं हैं अयान और अलीजा में दोस्ती बढ़ने लगती है लेकिन अयान दोस्ती को प्यार समझ लेता है और इजहार करने पर उसको भारतीय लड़कियों वाला जवाब अलीजा से मिलता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं अलीजा का निकाह किसी और से हो जाता है अन की जिंदगी में एक तलाक महिला सभा आती है अन अलीजा को जलाने के लिए उसके प्यार में पड़ जाता है सबा जल्द भाप लेती है कि यहाँ एक तरफा प्यार है इस तरह से कुछ अन्य किरदार भी शामिल होते हैं करण जौहर की नई कहानी कुछ कुछ होता है और कभी अलविदा न कहना से मारी हुई है ड़ जौहर कहानी में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें फिल्म खूबसूरत बनाने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे खूबसूरत चेहरे को कहानी में डाल दिया आलिया भट्ट और शाहरुख खान को भी कहानी में खड़ा कर दिया अनुष्का शर्मा का अभिनय से सबसे बढ़िया है रणवीर कपूर चार्मिंग स्टार हैं हालांकि कुछ जगहों पर निराश करते हैं रणवीर कपूर को इस तरह के किरदारों से बाहर आना चाहिए ऐश्वर्या बच्चन की कहानी तो ट्रेलर से परे नहीं है फिल्म का संगीत बेहतरीन है वह लाइनर चुटेले संवाद और उर्दू की शेर व शायरी की मौजूदगी काफी हद तक फिल्म को संभालने में कामयाब रहती है सिनेमेटोग्राफी बा कमाल है जैसे कि अनुष्का शर्मा ने हाल ही में कहा था कि कृड़ जौहर की फिल्म में आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती कि आप कैसे दिखेंगे शाहरुख खान और लीजा हेडन छोटी भूमिकाओं में थे लेकिन अपने अभिनय से दर्शकों के चेहरे पर खुशी की लहर छोड़ जाते हैं यदि आप बेहतरीन घर लिबास जगह खूबसूरत चेहरे किसिंग सीन रोमांस और संगीत के लिए किसी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो ए दिल है मुश्किल बुरा सौदा नहीं होगा यदि आप चाहते हैं कि एक सरल कहानी हो अंत में कोई निचोड़ निकलता हो तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल सही है तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल भी सही नहीं है करल जौहर को अब इस दायरे से बाहर आना चाहिए था अब करल जौहर की रोमांस कहानियाँ उलझने लगी थी कहानी शुरू होती है लंदन से जहां अन ने रणबीर कपूर एमबीए की पढ़ाई कर रहा है हालांकि उसकी दिलचस्पी सिंगिंग में है लेकिन पेरेंट्स की इच्छा पूरी करने के लिए वह पढ़ाई करता है इसी बीच उसकी मुलाकात एलिजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है धीरे धीरे इनकी दोस्ती पक्की होती जाती है एक तरह अन को एलिजा से प्यार हो जाता है उधर एलिजा अली यानी फौद खान के पास दोबारा लौट उनसे शादी करने के लिए तैयार है लंदन से कहानी लखनऊ पहुंचती है जहां एलिजा और अली का निकाह होना है क्या आयान की मोहब्बत के साथ गया है, है। अनुष्का शर्मा खिली हैं फिल्म में रणबीर और अनुष्का ने बेहतरीन काम किया है इन दोनों की एक्टिंग फिल्म की हाईलाइट है ऐश्वर्या बच्चन ने फिल्म में हार्टनेस का तड़का लगाया है शाहरुख खान फवाद खान आलिया भट्ट लीजा हेडन और दीप्ति नवल के छोटे छोटे पोर्शन भी फिल्म के लिए एक एसर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल में आपको टिपिकल कलर जौहर स्टाइल डायरेक्शन देखने को मिला था लोकेशन सेट म्यूजिक सभी पर खास ध्यान दिया गया था हालांकि इस फिल्म में करण की पुरानी फिल्मों की झलक भी दिखी थी पिछली फिल्मों के वन लाइनर डायलॉग सुनने को मिले थे फिल्म में सेकेंड हाफ में असुर्रा की एंट्री होती है जिसके बाद करण जौहर स्टाइल में मिलना बिछड़ना प्यार तकरार दिखाया गया था सेकंड हाफ में फिल्म का घुमाव आपको बोर कर सकता है इसे बेहतर बनाया जा सकता था ए है मुश्किल का म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया था जो रिलीज से पहले ही हिट था फिल्म के टाइटल सॉन्ग से लेकर बोला चन्ना ब्रेकअप आंग क्यूटीपाई सभी गाने पसंद किए गए थे पुरानी बोतल में नई शराब नया लेबल क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं वर्षों से चल रहे इस फिलड़ जौहर ने नई पीढ़ी और को देखते हुए किरदारों अलीजा ने अनुष्का शर्मा सबा ने अश्वर्या राय डीजे जे अली ने फौद खान ताहिर यानी गेस्ट रोल में शाहरुख खान की भाषा साफ बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं लखनऊ से नहीं हिंदी फिल्में बनाने वाले करड़ जौहर से कितने कंटेक्ट हैं इनका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है ने रणबीर कपूर लंदन में पैदा हुआ और पला है ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाला पल दो पल ग्लैमर ही चमक है और इसे देखने पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं है जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकते हैं क्योंकि अंततः प्यार यहाँ भी का आंसर है जवानी में कदम रख चुके आयन का बचपन गया नहीं है और इसी नादानी में उसे तीन बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है मगर अलीजा उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानती क्योंकि उसे प्यार का दर्जा नहीं देना चाहती अलीजा के लिए प्यार में जुनून है और दोस्ती में सुकून है वह आयान के संग साथ में घूमती है अलीजा से दूर होकर अन जब शायरी करने वाली तलाकशुदा सभा से मिलता है तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है परंतु उससे प्यार नहीं कर पाता फिल्म प्यार की तलाश करते आयान की कहानी है जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है यह दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफ़ी देर तक दिशाहीन लफाजी की तरह लगता है जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है अलीजा और अन बार बार शराब खानों क्लबों और कमरों में लौटकर आते हैं इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं घटता घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डी अली की एंट्री के साथ जब अलीजा उसके लिए आयान को अपने से दूर कर देती है मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है असल में पूरी फिल्म करल जौहर के पुराने सिनेमा से कुछ अलग नहीं कहती उनकी भावनाएं भी नई नहीं, नहीं हैं रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों में काम कर रहे हैं इसमें उनका नुकसान है यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देती है कि देख कर दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे कुछ इसे उनके कम का भी नाम देंगे अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है उनके चेहरे पर पहले से ही संवेदनाओं की गहराइयाँ नहीं दिखती ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ हर दृश्य में कम के लिए बेचैन नजर आती हैं अंतता फिल्म उन्हें निराश ही करेगी क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रासंगिक होकर खो जाता है वह कहानी के बीच में आती है और बीच में ही लापता हो जाती है फिल्म का गीत संगीत जरूर इन दोनों अन्य फिल्मों के मुकाबले में सुनने लायक था करण अगर अपने सिनेमा को खांचों में तोड़ सके तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद 2012 में करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टाकेस फिल्म में एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था अब करण ने रणबीर कपूर असुररा बच्चन और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की थी जिसे ए दिल है मुश्किल नाम दिया गया था आखिर कैसी बनी थी ये फिल्म आइए जानते हैं फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी अने ने रणबीर कपूर की है जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है लेकिन अपने पिता के डर की वजह से एम की पढ़ाई करता है जहाँ उसकी मुलाकात अली जय यानी अनुष्का शर्मा से होती है और अन को अली जय से एक तरफा प्यार हो जाता है हालांकि अली जय इसे दोस्ती का नाम देती है फिर कहानी आगे बढ़ती है और सबा यानी तलियार खान यानी असर बच्चन की एंट्री होती है कहानी में कई मोड़ आते हैं और क्या अन का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है यही इस फिल्म में दिखाया जाता है फिल्म के एक्ट्रेस रणबीर कपूर असर बच्चन अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफ़ी उम्दा काम किया है फिल्म में शाहरुख खान लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीरेंस भी हैं और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं फिल्म एक म्यूजिकल और विजुअल ट्रीट है जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है अगर आपको शेरों शायरी का शौक है तो फिल्म के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर सुन लेते हैं फिल्म का चिकन ढहा काफ़ी बड़ा लगता है बहुत सारे उतार चढ़ाव आने की वजह से सवाल जहन में चलने लगते हैं कि आखिर फिल्म ख़त्म कहाँ होगी ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फ़ायदेमंद था लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज़्यादा कैश किया जा सकता था साथ इन दोनों की एंट्री भी इंटरोल के बाद ही होती है एक वक्त के बाद जहन में यह भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या हैं इंटरल के बाद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया के साथ साथ भारत में भी की गई है प्रचार प्रसार के साथ इस फिल्म का बजट लगभग पचासी करोड़ रुपये बताया जा रहा था यह दिल है मुश्किल की कहानी प्यार के बारे में है या किस तरह का रूप लेता है या कैसे लोगों को बदल देता है या कैसे बहुत खुश करता है तो कभी लोगों को डराता है यह दो किरदारोंजा है नुष्का शर्मा और अयान यानि रणबीर कपूर के कभी साथ में रहने कभी अलग रहने उनके प्यार और दिल टूटने की कहानी है अलीजा पूरी तरह से खुद पर भरोसा करने वाली लड़की है जो अभी भी अपने पुराने रिश्ते के टूटने से हुए प्रभाव से धीरे धीरे उभर रही है अयान एक नौजवान है जिसे प्यार या दिल टूटने को लेकर कोई अनुभव नहीं है उसके अंदर गाने की इच्छा पल रही है उनकी एक रात न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है और जिंदगी बदलने वाला रिश्ता जन्म लेता है यह रिश्ता मजाक चिंता और बॉलीवुड की हर चीज पसंद होने पर आधारित है दोनों जिंदगी में आगे बढ़ने पर नए अनुभव पाते हैं जिनके आधार पर उनकी जिंदगी जुनून और प्यार को लेकर सोच बनती है उन्हें सच्चा साथी मिलना क्या होता है इसकी भी समझ आती है कैसे अलीजा और अन जैसे लोग जो प्यार को लेकर जुड़ते हैं फिर अलग होते हैं और प्यार को समझते हैं फिल्म में बारीकी से दर्शाया गया है करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित थे अपने करियर के शुरुआत में उनके सिनेमा पर यह छाप महसूस की जा रही थी पिछली दो फिल्मों माय नेम नबिज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उन्होंने कुछ हटकर करने की कोशिश की थी लेकिन ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर पर रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे थे ए दिले मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेट कर उन्होंने पेश किया है एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है आयन यानी रणबीर कपूर प्राइवेट जेटवाला अमीर है गाना और इश्क के सुश की जिंदगी में कुछ भी नहीं है अयान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप्स को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है अनान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अली जहाँ यानी अनुष्का शर्मा से जो कि अली यानी फौद खान के इश्क में गिरफ्त है वह ऐान को अपना सच्चा दोस्त मानती है वह इश्क में जुनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है अली के इश्क में उसे वह जुनून नहीं मिलता जो आान की दोस्ती में मिलता है अनान का प्यार एक तरफा है वह अली जहा से इसका इजहार भी करता है लेकिन अली जहा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अली से निकाह कर लेती है दिल टूटने के बाद आयन की जिंदगी में खूबसूरत सायरा सबा यानी अशरा राय आती है लेकिन आयन के लिए वह जरूरत है ख्वाहिश नहीं सबा या बात समझ जाती है और आयन से अलग हो जाती है उनका आयन के प्रति एक तरफा प्यार था सबा तलाक शुदा है पूर्व पति ताहिर यानी शहरुख खान और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कुछ कुछ होता है कभी अलविदा न कहना जैसी अपनी फिल्मों को मिला जुला कर कर ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है फिल्म की शुरुआत बढ़िया है आयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं जो पूरी आज़ादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है महानगर में रहने वाले युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं लंदन की लाइफ स्टाइल कलाकारों का स्टाइल लुक उनकी कूलनेस आपको बांधे रखती है इंटरवल के बाद इन बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है लेखक के रूप में करड़ जौहर दुबिधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए दर्शकों का ध्यान बटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाएँ फिल्म और कमज़ोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दांव चलाया जाता है लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से ऊब चुके होते हैं स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदार में प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते उन्हें सब सतही लगता है मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार करते हैं ऐसा लगता है कि करण को अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था आयान और सबा के रिश्ते को इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है कि दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया अलीजा और अली के ब्रेकअप की भी ठोस वजह सामने नहीं आई ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियाँ फिल्म देखते समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं ऐसी भी नहीं है फिल्म बहुत ही ज्यादा उबाती या पकाती है निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखन की कमी को ढकने में कुछ हद तक सफल भी रहे हैं उनका प्रस्तुतिकरण ताजगी से भरा है इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलीखा उन्हें आता है कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो मनोरंजन करते हैं पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया है लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं हैं खास तौर पर सेकंड हाफ मै कर के हाथों से फिल्म छूट जाती है और कुछ लंबी लगती है संगीत के मामले में फिल्म अमीर है गीतकार अमित भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है अमिताभ द्वारा लिखे गए शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुनें पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं ये दिल है मुश्किल बुलया क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है बिंदास बेपरवाह मजबूत अली जहाँ का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिया है दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर भाव लाए हैं प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है कई दृश्यों में उन्होंने रणबीर कपूर को बैक फुट पर ढकेल दिया है जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं रणबीर की तारीफ़ इस बात के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सधा हुआ अभिनय किया ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है जिस पाकिस्तानी अभिनेता फवाद अली खान को लेकर इतना हल्ला मचाया गया था वह चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं लगता है करण ने उनके रोल पर कैंची चला दी थी शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्हें क्यों रोमांस का बादशाह कहा जाता है लिसा हेडन का काम तारीफ के काबिल है फिल्म को सिनेमाटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती है उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया गया है ये दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है लेकिन कंटेंट में कसर रह गई ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थी इसके निर्माता थे अपूर्वा मेहता जौहर और करण जौहर इसका निर्देशन किया था करण जौहर ने संगीत इसमें दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने इसमें कलाकार थे रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान लिसा हेडन शाहरुख खान आदि अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर ने एक साथ फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम किया था करीब छह साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर जहां अनुष्का के साथ काम करने में कंफर्टेबल थे वही अशर्र के साथ सीन करने में झिझक महसूस हो रही थी इस फिल्म को लेकर कई तरह की यादें जुड़ी हुई थी चलिए सबसे पहले बताते हैं कि अनुष्का रणबीर और अशर्रा को करण जौहर ने कैसे कास्ट किया था करण जौहर ने साल 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे बुलबर्ट में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा को देखा था उनकी कास्टिंग और केमिस्ट्री करण को इतनी पसंद आई कि उन्हें अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए चुन लिया था वही अब बारी थी फिल्म के तीसरे और दमदार किरदार की जिसके लिए उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था एशरा राय करण उनको अपनी कई फिल्मों में लेना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी इस फिल्म में कास्ट करने के लिए भी करण को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी अशरा राय बच्चन को मुश्किल से राजी कर पाए थे करण जौहर दरअसल अशरा राय बच्चन अपनी बेटी अराध्या के पैदा होने के बाद कम करने की कोशिश कर रही थी ऐसे में जब करल जौहर ए दिल है मुश्किल का ऑफर लेकर पहुंचे और फिल्म की स्टोरी सुनाई तो ऐस ने मना कर दिया किसिंग सीन और भी अपने छोटे से एक्टर के साथ ऐश्वर्या ने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो करल भी उनकी दुविधा को समझ रहे थे इसलिए कहा कि इस सीन को इस तरह से शूट किया जाएगा कि उनकी इमेज पर इसका असर नहीं होगा ये तो थी ऐश्वर्या राय बच्चन की बात अनुष्का शर्मा और रणवीर कपूर चौक पहले से भी काम कर चुके हैं और दोनों अच्छे फ्रेंड भी हैं एक सीन के दौरान अनुष्का ने इतना जोर का थप्पड़ मारा कि रणबीर सने रह गए इस सीन का जिक्र अनुष्का शर्मा और रणबीर ने एक इंटरव्यू में किया था रणबीर ने कहा था कि अनुष्का अपने सीन में घुस जाती हैं और उन्हें बिल्कुल सच करने की कोशिश करती हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे तीन थप्पड़ मार दिए थे अनुष्का ने बताया कि पहले रणबीर का शॉट ले लिया गया फिर मुझे उसे चाटा मारने के लिए कहा गया लेकिन शार्ट के दौरान मैं ऐसी खो गई जैसे शॉट ओके हुए रणबीर ने मुझसे पूछा कि तुम सच में थप्पड़ क्यों मार रही हो फिर भी मुझे लगा कि वह गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा है बाद में मुझे एहसास हुआ तो माफी मांग ली थी इस फिल्म के निर्माता करण जौहर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ये एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी या दो तीन लोगों को आपस में प्यार होने की कहानी नहीं है ये फिल्म को एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप दिल टूटने और प्यार करने की कहानी है मैंने अपने पूरे जीवन इस तरह की फिल्म नहीं बनाई है बता दें कि इस फिल्म में गाने भी दिल को छू लेने वाले थे ये दिल है मुश्किल की कहानी है गायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले आयान की जिसे अलीजा नाम की लड़की से इश्क हो जाता है अलीजा का पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है लेकिन उसका पुराना प्रेमी अली उसकी ज़िंदगी में आता है और वह उससे शादी कर लेती है इसके बाद आयान की ज़िंदगी में सबा नाम की एक सयरा आती है जो पहले से तलाकशुदा है अन की भूमिका में है रणबीर कपूर अलीजा का रोल किया है अनुष्का शर्मा ने और सभा का किरदार निभाया है अशर् राय ने फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें कुछ नयापन नहीं है हाँ इसकी पटकथा थोड़ी अलग है फिल्म के पहले हिस्से में काफ़ी मनोरंजन है कई जगह पुरानी फिल्मों की नकल या उसके डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है जो हंसाते हैं रणबीर कपूर और एशर् राय ने फिल्म में अपने किरदार अच्छे से निभाए हैं लेकिन अनुष्का शर्मा का अभिनय जबरदस्त है फिल्म के तीन चार गाने इसकी जान हैं जो पहले ही हिट हो चुके थे वही दूसरी तरफ फिल्म का दूसरा भाग यानी एंट्रोल के बाद का हिस्सा ढीला और सुस्त नजर आता है इमोशन नाम के हथियार को अक्सर भुनाने वाले करल जौहर ने दूसरे भाग में इमोशन तो डाला है मगर दृश्य दिल को कुछ खास नहीं छूते हैं फिल्म में हीरोइन को जानलेवा बीमारी का फार्मूला पुराना लगता है फिल्म की लंबाई भी जरूरत से ज़्यादा लंबी लगती है करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म ए दिल है मुश्किल एक लव स्टोरी है जिसमें किसी को किसी से इश्क होता है एक रिश्ता टूटता है तो दूसरा जुड़ता है मगर इन सब के बीच करण ने यह बताने की कोशिश की है कि प्यार चाहे प्रेमी से हो या दोस्त से किसी के बिना भी रहना मुश्किल है लंबे अरसे से एक आदत हिट को तरस रहे रणबीर कपूर की हिट की तलाश शायद उस बार फिर करण जौहर के बैनर से ही पूरी होनी थी बताओ डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई थी बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा था लेकिन इसका सीधा फायदा उस दिन फिल्म की रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया था फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटरों में अस्सी से नब्बे फीसदी की ओपनिंग मिली तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50 से 70 फीसदी तक की एक मिली थी करण ने इस फिल्म पर करीब करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया रिलीज से पहले मीडिया में कपूर और ऐश्वर्या ले थी लेकिन फिल्म देखने के बाद लगता था कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी पाक एक्टर फौद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर में क्रेज इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर का जमघट नजर आया ए दिल है मुश्किल की कहानी में आया ने रणबीर कपूर बेशक अच्छा नहीं गाता लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफ़ी जैसा नामी सिंगर बनना है अपने पापा के डर से आयान ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में एम बी ए की स्टडी कर रहा है बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाली अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उल्टा है उसे डांस पार्टीबाजी पसंद नहीं है इसी के बीच एक दिन आया और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वह दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं सो so, अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और आयन अपनी लबर को छोड़कर मौज मस्ती करने पैरिस निकलते हैं पैरिस में आयान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेानतहा प्यार करता है लेकिन अलीजा आन को अपने दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझती अलीजा का कुछ अर्सा पहले डी जे अली यानी फवाद खान के साथ ब्रेकअप हो चुका है ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उबरने के लिए अलीजा अपना ज़्यादा वक्त आयान के साथ गुजारती है अचानक एक दिन अली फिर अलीजा की ज़िंदगी में लौट आता है अलीजा बयान को छोड़कर अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है यही कहानी में सबा खान यानी अशर राय बच्चन की एंट्री होती है जो शेर व शायरी करती है सभा बे अनतहाँ खूबसूरत है अन भी अच्छा सिंगर बन चुका है सबा के एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर करके रख देता है पूरी फिल्म रणबीर कपूर और, और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है रॉक स्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में थे अनान के किरदार में यकीन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की थी वही बिंदास लीजा के किरदार को अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया था इन रोल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंस सेड में नजर आई थी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई थी फवाद खान और सरा राय को बेसिक ज़्यादा फुटेज नहीं मिली थी लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया था शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है अगर बताओ डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के, के करीब चार साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कमाल संभाली थी म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब मास्टरी है इंटरल से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो एंगस्टर की कसौटी पर सौ फीसदी खरा उतरता है तो वही इंटरवल के बाद करण ने इमोशन का तड़का लगाया है स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करड़ ने फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया में भी की थी इंट्रोल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है लेकिन करण ने सुरले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशन का सहारा फिल्म को कहीं कमजोर नहीं होने देता रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुके थे करण ने इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया था जो यंगस्टर की कसौटी पर पूरी तरह से खड़ी उतरते हैं बुलाया ब्रेकअप और टाइटल सॉन्ग ए दिल है मुश्किल पहले की जुबा पर था वही करण ने फिल्म में सत्तर अस्सी के दशक के कई सुपरहिट गानों को फिल्म में अलग ढंग से फिल्माया था अगर आप रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के फैन हैं तो, तो अपने पसंदीदा इन दोनों स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने और सुरीले संगीत का आनंद लेने के लिए ये फिल्म देख सकते हैं करण जौहर के निर्देशन में बनी ए दिल है मुश्किल पिछले काफी वक्त का विवादों में रहने के बाद आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म में रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन और फौद खान मुख्य किरदारों में नजर आए थे फिल्म एस और रणबीर के सीन ने काफी सुर्खियां बटोरी थी वही अनुष्का शर्मा के साथ उनकी दोस्ती को भी खूब पसंद किया गया था फिल्म की कहानी शुरू होती है अयान यानी रणबीर कपूर से जो लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा है इसी बीच उसकी मुलाकात अलीजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है वह एक बिंदास लड़की है जिसे पार्टी करना नाइट क्लब जाना बहुत पसंद है एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए इनकी दोस्ती और गहरी होने लगती है लेकिन एलिजा का एक बॉयफ्रेंड है डॉक्टर अब्बास यानी इमरान अब्बास वह काफ़ी एलिजा से बिल्कुल अलग और बोरिंग सा है वही आयन भी एक फैशनेबल गर्लफ्रेंड है कुछ वक्त आयन और एलिजा को पता चलता है कि वह जिन लोगों को डेट कर रहे हैं वह तो उनके लायक ही नहीं है इसके बाद ये दोनों उनसे ब्रेकअप करके पेरिस घूमने चले जाते हैं इन बीच अयन को एलिजा से प्यार हो जाता है लेकिन तभी एलिजा की मुलाकात डॉक्टर अली यानी फौद खान से होती है जो कभी एलिजा का बॉयफ्रेंड था इसके बाद फिल्म में कई ट्विस्ट होते हैं फिल्म में इसकी एंट्री कैसे होती है अन के एक तरफा प्यार का क्या अंजाम होगा ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में मिलते हैं इस फिल्म को टिपिकल कलर जौहर फिल्म कहा जा सकता है जहां एक तरफ इसके ट्विस्ट आपको अंत तक बांधे रखने में सफल साबित होते हैं वही इसमें उनकी पुरानी फिल्मों की भी कुछ झलकियाँ महसूस होती हैं फिल्म में रणबीर कपूर ने बेहद शानदार अभिनय किया है पिछले काफ़ी वक्त से फ्लॉप फिल्म देने के बाद इसे रणबीर की कमबैक फिल्म कह सकते हैं वह अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के बाद एक बार फिर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने भी एक मुस्लिम लड़की के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था एक बिंदास और बेबाक लड़की की भूमिका में काफ़ी जच रही थी अश्वर्या ने भी अपने हार्ट एंड बोल्ड अंदाज का जबरदस्त तड़का लगाया था इसे एक एंटरटेनमेंट पैकेज कहा जा सकता है फिल्म में काफ़ी हंसी मज़ाक के साथ एक बेहतरीन कहानी दोस्ती और एक तरफा प्यार की ताकत देखने को मिलती है फिल्म की पैकेजिंग और स्टाइलिंग अच्छी है लेकिन कहानी सधी हुई नहीं है पहला हिस्सा मस्ती भरा है लेकिन आधे घंटे में ही फिल्म खिंची हुई लगती है स्टार पावर म्यूजिक सब का जम तभी काम करता है जब कहानी में दम हो लेकिन यहाँ करड़ मात खा गए थे आज भी प्यार और दोस्ती में कन्फ्यूज हैं करल जौहर ने हमें बहुत अच्छी फिल्में दी हैं लेकिन आज भी वह कुछ कुछ होता है कि तरह है। प्यार और दोस्ती में ही फंसे हैं उनकी यह दुविधा इंट्रोल के बाद साफ नजर आती है फिल्म की कहानी यहाँ से इतनी उलझी हुई है कि इसके सुलझने का इंतजार करने से बेहतर दर्शकों को हाल से उठाना लगता है पाकिस्तान नहीं होकर भी है फिल्म में उरी हमले के बाद पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने की मांग की वजह से ए दिल है मुश्किल की रिलीज पर खतरा लग रहा था लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो इसमें पाकिस्तान के रेफरेंस को हटाकर इसे भारत कर दिया गया इसके लिए खास तौर पर लखनऊ का सीन भी दिखाया गया था लेकिन अनुष्का शर्मा का किरदार जिस आधार पर तैयार किया गया था उसमें पाकिस्तान के लहजे और अंदाज की झलक साफ नजर आती है गाने अच्छे हैं लेकिन बांधते नहीं हैं फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट है गाने हर जगह बज रहे हैं सुनने में ये जितने अच्छे लगते हैं उतने स्क्रीन पर नहीं ब्रेकअप शाम को छोड़ दिया जाए तो गाने उकतावत ही पैदा करते हैं रणबीर अच्छे एक्टर हैं और डांसर भी लेकिन वो बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं फिल्म और निर्देशक अलग होते हैं मगर उनके किरदार ब्रेक का प्यार का दर्द बहाभरी गाने पर लिप सिंह पापा की उम्मीदों का बोझ अपने सपनों को पाना के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ बाकी एक्टर्स से वह पीछे रह जाएंगे अगर जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने साथ के एक्टर्स से जल्द ही वह पीछे रह जाएंगे अगर ये फिल्म किसी को फायदा देती है तो वह है अनुष्का शर्मा को आमिर खान के साथ पीके करने के बाद से वह खूब निखरी हैं सुल्तान में सलमान खान के साथ बेहद कॉन्फिडेंट थी ये दिल है मुश्किल में कई सीन में वह रणबीर कपूर पर भारी पड़ती नजर आती हैं फिल्म का एक खास सीन है जहाँ अशर रणबीर और अनुष्का शर्मा साथ में बातचीत करते हैं इस सीन में जहाँ एस कचप की खूबसूरत लग रही हैं वही अनुष्का शर्मा का चार्मिंग और कॉन्फिडेंट अंदाज बताता है कि वह बॉलीवुड में सभी की पसंदीदा क्यों हैं बॉलीवुड की झलक फिल्म में बॉलीवुड के करल जौहर ने जमकर पिरोया है भले ही वह सनी लेवन के बेबी डॉल पर रणबीर का डांस हो या डायलॉग या मोड नए पुराने सीक्वेंस दिखे हैं कुछ कुछ होता है चांदनी गाइड समेत कुछ पुरानी फिल्मों के गाने के साथ प्रयोग अच्छा है लेकिन एक हाथ के बाद फिल्म फिल्म को ज्यादा है। फवाद खान जब ये देखेंगे तो खुद को कोसेंगे कि उन्होंने यह रोल साइन ही किया गया था फिल्म में वह मुश्किल से दो तीन मिनट के लिए ही नजर आते हैं साथ फसाद की वजह से उनका रोल काट दिया गया हो क्योंकि पाई के तुरंत बाद चन्ना गाना आने की वजह सिर्फ उनके रोल का काट जाना भी है किस किस की शादी किस किस के दिखी झलक फिल्म में कैमियों की भरमार है असरा और रणबीर के हार्ट सीन्स पर फिल्म की पब्लिसिटी खूब की गई लेकिन लंबाई के हिसाब से एस का रोल भी कैमियों ही है शाहरुख खान भी एक दो दिलकश डायलॉग के लिए सबसे छोटा कैमियो आलिया भट्ट का है शाहरुख खान भी एक दो दिलकश डायलॉग्स के लिए हैं सबसे छोटा कहमियों आलिया भट्ट का है लीजा हेडन इस हिसाब से सबसे फायदे में रहती हैं अनुष्का के मंगेतर का रोल निभाने वाले इमरान अब्बास भी पहले बिपाशा के लिए क्रिएचर थ्रीडी में आ चुके थे अगर आप इन जगहों को देख नहीं पाए हैं तो किरदारों और कहानी से नजर हटाकर आप इन खूबसूरत लोकेशंस को देख सकते हैं लंदन की सड़कों को खास तौर पर कहानी के साथ अच्छी तरह बांधा गया है बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से सर्वोपरि रहा है बॉलीवुड में शायद ऐसी ही कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डूबे बिना लिखी गई हो यानी जिसमें रोमांस का तड़का न लगाया गया हो उस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई करण जौहर की निर्देशित ए दिल है मुश्किल जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी क्या ए दिल है मुश्किल भावनात्मक तौर पर एक सफल फिल्म रही थी या फिर यह फिल्म मुश्किल का सामना करी थी आइए जानते हैं ए दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच की एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है जो कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है फिल्म की शुरुआत गायक आयन सहगल यानी रणबीर कपूर के इंटरव्यू देने के परिचय से होती है जहाँ वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां अन और जिंदा दिल्ली उत्साही अलीजा खान यानी अनुष्का शर्मा से एक नाइट क्लब में मिलते हैं दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है कि वो कभी न अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं एक दिन जब अन और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों लीजा हेडन और इमरान अब्बास के साथ डबल डेट पर जाते हैं उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है जिसकी वजह से उनका उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है अब आयन और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जाते हैं जहाँ दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लग... जहाँ दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं एक दिन आयन और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं वहाँ अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली अन फौद खान से मिलती है जो कि उस क्लब में डीजे होता है अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली उसके लिए प्यार से उभर रहा है अनान को अपना फैसला सुना देती है वह अन को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और यह वही व्यक्ति है जिससे उससे पहले प्यार हुआ था अनान ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह सबा यानी अशर बच्चन से मिलता है जो कि एक कबीतरी है और एक तलाक शुदा महिला है जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था अनान सबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है सबा को उस रिश्ते में कुछ गड़बड़ सी नजर आती है इन सब के बीच आयान को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो हर किसी की ज़िंदगी को बदल कर रख देती है अलीजा के बारे में आयान को ऐसी बात क्या पता चलती है जिससे आयान सदमे में आ जाता है सबा के साथ उसका रिलेशनशिप में क्या अंजाम होता है और आयान किसके साथ सेटल होता है यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्ते और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है जिसमें रईसी की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है यह दिल है मुश्किल भी कुछ इसी तरह की कहानी है जब यह दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए तब से दर्शक के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी यह फिल्म दर्शक की उम्मीद पर खरी उतरती है फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है फिल्म के संवाद वाकई जीवंत हैं और इसके स्तर व लाइनर निश्चित रूप से दर्शकों यानी विशेष रूप से नौजवानों के बीच गूंजे थे हालांकि यह दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं ऐसा क्या है जो बाकी फिल्मों से अलग बनाता है वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अत्यंत परपक्ता जो कि करण जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है यह दिल है मुश्किल में और सब कुछ है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है इसकी परिपक्ता कहानी के बावजूद यह फिल्म हर उम्र के वर्ग को भाएगी विशेष रूप से नौजवानों को कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम कभी अलबिदाना कहना माइन अमिज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमाल संभाली थी इस फिल्म पर करण जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है करण जौहर जो कि अपनी फिल्म के स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने इस टैग को सार्थक करते हैं ए दिल है मुश्किल के साथ करड़ जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं और इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी का वक्ता कहा जाता है यदि एक शब्द में कहा जाए तो ए दिल है मुश्किल में करण जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है बिना किसी नौटंकी या हाथ से ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाए सीन का सहारा लिए इमोशनल पल संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमैक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करड़ जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है वही फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म की गति यानी क्लाइमैक्स की ओर ध्यान डालता है उस सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डालकानों की धनों पर थिरकते हैं जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझाती है तो रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्पस में उनके बॉलीवुड सपने को जीते हैं और फिल्म के सेकंड हाफ में मिडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन हैं अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणवीर कपूर जिसकी विशेष रूप से रॉय बॉम्बे बिलबेट और तमाशा जैसी फिल्मों के एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी से संबंधित है ये दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर बहुत जंचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना हो रणबीर कपूर जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं ने इस फिल्म को जिया है यह कहना गलत नहीं होगा कि ए दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है वही दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया है और पूरी शिद्दत से अपना रोल निभाया है फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है इतना कि लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे बिलब की पराजय के पीछे ही छोड़ देंगे कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं अचर राय बच्चन फिल्म में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत क्लासी और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं को इस तरह से पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे पूरे में से पूरे अंक दिए जाने चाहिए बात रणबीर कपूर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की ऐसे उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती हैं जैसा कि ऐसे उम्मीद की गई थी फवाद खान जिनकी भूमिका निर्दयता से काट दी गई थी जितना भी उन्हें समय मिला उसमें से बहुत जचे हैं फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो काम चलाऊ है दूसरी ओर शाहरुख खान और लिशा हैडल का कैमियो शानदार रहा यह दिलह मुश्किल का संगीत प्रीतम पहले से ही सुपरहिट है यह दिल्हे मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट था और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं बुलाया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गत को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर प्रीतम भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी मदद करता है फिल्म का छायांकन जो कि अनिल मेहता ने दिया है उत्कृष्ट है जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों तो को शूट किया है वह वाकई काबिल तारीफ है हालांकि फिल्म का संपादन जो कि मडिक डावर ने किया है अच्छा है यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो यह निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती कुल मिलाकर यह दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करण जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है या पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है जो कि बड़े कैनवास पर शानदार लुभावने म्यूजिक और एक मनोरंजन पटकथा से भरी है करल जौहर सफल निर्माता निर्देशकों में शुमार हैं। चार साल के लंबे अंतराल के बाद करल जौहर ने ए है मुश्किल से बतौर निर्देशक सिनेमाघरों में दस्तक दे चुके थे फिल्मकार करण जौहर की एक तरफे प्यार वाली रची कहानी ए दिल है मुश्किल में कितना नयापन है आइए जानते हैं करण जौहर के अनुसार इस कहानी को सिर्फ नौ दिनों में पूरा किया गया था नौ दिन में लिखी कहानी में अमीर बाप की औलाद अन है और एक खुले ख्याल की लड़की अलीजा है दोनों किसी के प्यार में हैं और अचानक जिनको एहसास होता है कि उनके प्रेमी दरअसल उनके लायक नहीं हैं अन और अलीजा में दोस्ती बढ़ने लगती है लेकिन अन दोस्ती को प्यार समझ लेता है और इजहार करने पर उसको भारतीय लड़कियों वाला जवाब अलीजा से मिलता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं अलीजा का निकाह किसी और से हो जाता है अन की जिंदगी में एक तलाक महिला सभा आती है अन अलीजा को जलाने के लिए उसके प्यार में पड़ जाता है सभा जल्द भाप लेती है कि यहाँ एक तरफा प्यार है इस तरह से कुछ अन्य किरदार भी शामिल होते हैं करण जौहर की नई कहानी कुछ कुछ होता है और कभी अलविदा न कहना से मारी हुई है करण जौहर कहानी में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें फिल्म खूबसूरत बनाने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे खूबसूरत चेहरों को कहानी में डाल दिया आलिया भट्ट और शाहरुख खान को भी कहानी में खड़ा कर दिया अनुष्का शर्मा का अभिनय से सबसे बढ़िया है रणवीर कपूर चार्मिंग स्टार हैं हालांकि कुछ जगहों पर निराश करते हैं रणवीर कपूर को इस तरह के किरदारों से बाहर आना चाहिए ऐश्वर्या बच्चन की कहानी तो ट्रेलर से परे नहीं है फिल्म का संगीत बेहतरीन है वह लाइनर चुटेले संवाद और उर्दू की शेर व शायरी की मौजूदगी काफी हद तक फिल्म को संभालने में कामयाब रहती है सिनेमाटोग्राफी बा कमाल है जैसे कि अनुष्का शर्मा ने हाल ही में कहा था कि तरल जौहर की फिल्म में आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती कि आप कैसे दिखेंगे शाहरुख खान और लीजा हेडन छोटी भूमिकाओं में थे लेकिन अपने अभिनय से दर्शकों के चेहरे पर खुशी की लहर छोड़ जाते हैं यदि आप बेहतरीन घर लिबास जगह खूबसूरत चेहरे किसिंग सीन रोमांस और संगीत के लिए किसी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो ए दिल है मुश्किल बुरा सौदा नहीं होगा यदि आप चाहते हैं कि एक सरल कहानी हो अंत में कोई निचोड़ निकलता हो तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल सही है तो आपके लिए ए दिल है मुश्किल बिल्कुल भी सही नहीं है करल जौहर को अब इस दायरे से बाहर आना चाहिए था अब करल जौहर की रोमांस कहानियाँ उलझने लगी थी कहानी शुरू होती है लंदन से जहां अन यानी रणबीर कपूर एमबीए की पढ़ाई कर रहा है हालांकि उसकी दिलचस्पी सिंगिंग में है लेकिन पेरेंट्स की इच्छा पूरी करने के लिए वह पढ़ाई करता है इसी बीच उसकी मुलाकात एलिजा यानी अनुष्का शर्मा से होती है धीरे धीरे इनकी दोस्ती पक्की होती जाती है एक तरह अन को एलिजा से प्यार हो जाता है उधर एलिजा अली यानी फौद खान के पास दोबारा लौट उनसे शादी करने के लिए तैयार है लंदन से कहानी लखनऊ पहुंचती है जहां एलिजा और अली का निकाह होना है क्या आयान की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी ये फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है बेहतरीन एक्टिंग दिखाकर रणबीर आपको इमोशनल कर देंगे उनके लुक्स और डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट हैं मुस्लिम किरदार में अनुष्का शर्मा खिली है रणबीर और अनुष्का ने बेहतरीन काम किया है इन दोनों की एक्टिंग फिल्म की हाईलाइट है अशरारा बच्चन ने फिल्म में हार्टनेस का तड़का लगाया है शाहरुख खान फवाद खान आलिया भट्ट लीजा हेडन और दीप्ति नवल के छोटे छोटे पोर्शन भी फिल्म के लिए एक एसर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल में आपको टिपिकल कलर जौहर स्टाइल डायरेक्शन देखने को मिले था लोकेशन सेट म्यूजिक सभी पर खास ध्यान दिया गया था हालांकि इस फिल्म में करण की पुरानी फिल्मों की झलक भी दिखी थी पिछली फिल्मों के वन लाइनस डायलॉग सुनने को मिले थे फिल्म हाँ में सेकेंड हाफ में असुर की एंट्री होती है जिसके बाद करण जौहर स्टाइल में मिलना बिछड़ना प्यार तकरार दिखाया गया था सेकेंड हाफ में फिल्म का घुमाव आपको बोर कर सकता है इसे बेहतर बनाया जा सकता था ए दिल है मुश्किल का म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया था जो रिलीज से पहले ही हिट था फिल्म के टाइटल सॉन्ग से लेकर बुलया चन्ना मेरेया ब्रेकअप सॉन्ग क्यूटीपाई सभी गाने पसंद किए गए थे पुरानी बोतल में नई शराब नया लेबल क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं वर्षों से चल रहे इस फिल्मी सवाल को करड़ जौहर ने ए दिल है मुश्किल में नई पीढ़ी और भारत पाकिस्तान के किरदारों के साथ बनाया था मगर उस समय पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान को पर्दे पर लखनऊ दिखाने को मजबूर होना पड़ा जबकि किरदारों अलीजा ने अनुष्का शर्मा सभा ने अशर राय डीजे जे अली ने फौद खान ताहिर यानी गेस्ट रोल में शाहरुख खान की भाषा साफ बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं लखनऊ से नहीं हिंदी फिल्में बनाने वाले करड़ जौहर से कितने कंटेक्ट हैं इनका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है ने रणबीर कपूर लंदन में पैदा हुआ और पला है ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाला पल दो पल ग्लैमर ही चमक है और इसे देखने पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं है जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकते हैं क्योंकि अंततः प्यार यहाँ भी का आंसर है जवानी में कदम रख चुके आयान का बचपन गया नहीं है और इसी नादानी में उसे तीन बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है मगर अलीजा उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानती क्योंकि उसे प्यार का दर्जा नहीं देना चाहती अलीजा के लिए प्यार में जुनून है और दोस्ती में सुकून है वह आयान के संग साथ में घूमती है अलीजा से दूर होकर अन जब शायरी करने वाली तलाकशुदा शबा से मिलता है तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है परंतु उससे प्यार नहीं कर पाता फिल्म प्यार की तलाश करते आयान की कहानी है जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है यह दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफी देर तक दिशाहीन लफाजी की तरह लगता है जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है अलीजा और अन बार बार शराब खानों क्लबों और कमरों में लौटकर आते हैं इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं करता घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डीजे अली की एंट्री के साथ जब अलीजा उसके लिए आयान को अपने से दूर कर देती है मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है असल में पूरी फिल्म करल जौहर के पुराने सिनेमा से कुछ अलग नहीं कहती उनकी भावनाएं भी नई नहीं, नहीं हैं रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों में काम कर रहे हैं इसमें उनका नुकसान है यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देती है कि देख कर दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे कुछ इसे उनके कम का भी नाम देंगे अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है उनके चेहरे पर पहले से ही संवेदनाओं की गहराइयाँ नहीं दिखती ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ हर दृश्य में कम के लिए बेचैन नजर आती हैं अंतता फिल्म उन्हें निराश ही करेगी क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रसंगिक होकर खो जाता है वह कहानी के बीच में आती है और बीच में ही लापता हो जाती हैं फिल्म का गीत संगीत जरूर उन दोनों अन्य फिल्मों के मुकाबले में सुनने लायक था करण अगर अपने सिनेमा को खांचों में तोड़ सके तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद 2012 में करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टाकेस फिल्म में एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था अब करण ने रणबीर कपूर असुरा रॉय बच्चन और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की थी जिसे ए दिल है मुश्किल नाम दिया गया था आखिर कैसी बनी थी फिल्म आइए जानते हैं फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी आयान ने रणबीर कपूर की है जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है लेकिन अपने पिता के डर की वजह से एम की पढ़ाई करता है जहाँ उसकी मुलाकात अली जय यानी अनुष्का शर्मा से होती है और अन को अली जय से एक तरफा प्यार हो जाता है हालांकि अली जय इसे दोस्ती का नाम देती है फिर कहानी आगे बढ़ती है और सबा यानी तलियार खान यानी असर बच्चन की एंट्री होती है कहानी में कई मोड़ आते हैं और क्या आयन का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है यही इस फिल्म में दिखाया जाता है फिल्म के एक्ट्रेस रणबीर कपूर असर बच्चन अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफ़ी उम्दा काम किया है फिल्म में शाहरुख खान लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीरेंस भी हैं और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं फिल्म एक म्यूजिकल और विजुअल ट्रीट है जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है अगर आपको शेरों शायरी का शौक़ है तो फिल्म के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर सुन लेते हैं फिल्म का हाफ काफ़ी बड़ा लगता है बहुत सारे उतार चढ़ाव आने की वजह से सवाल जहन में चलने लगते हैं कि आखिर फिल्म ख़त्म कहाँ होगी ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फ़ायदेमंद था लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज़्यादा कैश किया जा सकता था साथ इन दोनों की एंट्री भी इंटरल के बाद ही होती है एक वक्त के बाद जहन में यह भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या हैं इंटरल के बाद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया के साथ साथ भारत में भी की गई है प्रचार प्रसार के साथ इस फिल्म का बजट लगभग पचासी करोड़ रुपये बताया जा रहा था यह दिल है मुश्किल की कहानी प्यार के बारे में है या किस तरह का रूप लेता है या कैसे लोगों को बदल देता है या कैसे बहुत खुश करता है तो कभी लोगों को डराता है यह दो किरदारों किरदारोंजा यानी अनुष्का शर्मा और अयान यानी रणबीर कपूर के कभी साथ में रहने कभी अलग रहने उनके प्यार और दिल टूटने की कहानी है अलीजा पूरी तरह से खुद पर भरोसा करने वाली लड़की है जो अभी भी अपने पुराने रिश्ते के टूटने से हुए प्रभाव से धीरे धीरे उभर रही है अयान एक नौजवान है जिसे प्यार या दिल टूटने को लेकर कोई अनुभव नहीं है उसके अंदर गाने की इच्छा पल रही है उनकी एक रात न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है और जिंदगी बदलने वाला रिश्ता जन्म लेता है यह रिश्ता मजाक चिंता और बॉलीवुड की हर चीज पसंद होने पर आधारित है दोनों जिंदगी में आगे बढ़ने पर नए अनुभव पाते हैं जिनके आधार पर उनकी जिंदगी जुनून और प्यार को लेकर सोच बनती है उन्हें सच्चा साथी मिलना क्या होता है इसकी भी समझ आती है कैसे अलीजा और अन जैसे लोग जो प्यार को लेकर जुड़ते हैं फिर अलग होते हैं और प्यार को समझते हैं